देखो तो देखो, तुम लोग अभी सब कॉलेज में है राइट, सेम फेज से हम भी गुजरा है, तो हम लोग को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कॉलेज डिग्री में और एक जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं उसके क्या फर्क है। बेसिक फर्क क्या है उसमें, फर्क ये है कि कॉलेज से आपका जो प्लेसमेंट लगता है, टॉक इन मनी मैटर्स फर्स्ट, ठीक है ना, कॉलेज से आपका जो प्लेसमेंट लगता है वो आपका मान लेते हैं 10 लाख का लग गया, एवरेज में 10 से 12 लाख का लगेगा। आपको ये समझना पड़ेगा दो चीज कि क्या रोल आपको मिल रहा है, जो जॉब में आप जा रहे हो क्या रोल मिल रहा है और कौन सी कंपनी मिल रही है। वी ऑफन रन आफ्टर कंपनीज लाइक BCG, मैकेंजी, बेन, जो DU में टॉप कॉलेजेस में आते हैं, या फिर बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, कोई भी बड़ी कंपनी टॉप नॉच, KPMG, ENY। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको रोल क्या मिल रहा है। तो एक जो ग्रेजुएट प्लेसमेंट के लिए आपके जो कॉलेज में आएंगे उसमें आपका 10 से 12 लाख का एक बार तो नौकरी लगेगा, बट द इंक्रीमेंट विच यूल गेट इज 5 to 10% एवरी ईयर। सो आफ्टर 10 ईयर्स लाइक यू विल बी कि भाई मेरे को उतना कुछ लाइफ में अचीव नहीं हुआ। एक प्रोफेशनल डिग्री जो आप करते हो वो आपका वजूद बनता है लाइफ में, ठीक है, एंड उसको करने के लिए बहुत मेहनत एंड आपको कंसिस्टेंटली उस चीज को करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, मेरे मेरे कॉलेज से बताता हूँ, ठीक है। मेरे कॉलेज में आप समझो अगर 100 लोग एक्चुअरीज कर रहे थे, ठीक है, आज के दिन पे क्वालिफाइड उसमें से सिर्फ 10 है। इवन मेरा एक पेपर बचा है, शिवांगी मैम इज क्वालिफाइड बट मेरा एक पेपर बचा है। आपको पता है ये 90 लोग कहाँ गुम हो गए? ये दे वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मतलब अपने स्कूल के टॉपर्स थे ये लोग, ठीक है, मैथ्स में 100, 99, 98 सबका वैसा। प्रॉब्लम इज नॉट इन द कोर्स, प्रॉब्लम है आप कैसा देखते हो लाइफ को। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है पहले ये समझो, प्रॉब्लम कोर्स में बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है इंटेलेक्ट का कमी आप लोग सब में, मेरा पढ़ाने का एबिलिटी कम है, नहीं, ठीक है ना। अच्छा, सो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है। आज हम लोग सब ऑलमोस्ट सब या तो अपना पहला पेपर दे रहे हैं या फिर अपना दूसरा पेपर दे रहे हैं। अगर CM1 में है तो पहला या फिर दूसरा। अगर 5 घंटा हर रोज इस कोर्स को दे सकता है आने वाला 5 साल, तब तो आगे बढ़ो, नहीं तो पैसा लेके क्लास के बाहर, ठीक है, फुल्ली रिफंडेबल ऑप्शन है, ठीक है। सर क्या मिलेगा मेरे को? या तो तुम अपना 50 साल लाइफ का घिसो, ठीक है, एकदम पूरा हार्डकोर ऐसा काम करो कि भाई जिसमें तुमको बहुत हार्डवर्क, मैनुअल लेबर वैसा टाइप का, या फिर तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, या फिर ये 5 साल अपना लाइफ को दो, ठीक है ना। कॉलेज में तुमको सब बोलेंगे लेट्स ग्रो, लेट्स चिल, लेट्स पार्टी, इट्स कॉलेज। नो, चिल एक लेवल पे जाओ ना बाहर, कौन मना किया? हफ्ता में एक दिन गया, 2 दिन गया, ठीक है, 5 घंटा के बाद जो टाइम निकले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और जो मिसकंसेप्शन है वो क्या आ रहा है कि हमको कॉलेज भी मैनेज करना है, ठीक है ना, तो सर कॉलेज का एग्जाम्स रहेगा तो उसके संग एक्चुअली इसके एग्जाम कैसे देंगे? अपने आप टाइम निकलेगा, ठीक है। आपको दिन में एक टाइम ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आपको कोई ना हिला पाए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये 10 लोग वही हैं, ये 10 लोग जो हैं, ये 10 लोग वही हैं जिन्होंने एक गोल लेके चला अपना आने वाला लाइफ का 5 6 साल कि मेरे को हर टर्म में पहला बार पेपर देना है, कुछ भी हो जाए मेरे को अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है। नहीं तो आप देखोगे क्या 6 अटेम्प्ट मिलेगा आपको 3 साल में, आप देखोगे कि 6 में आपका 2 3 तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, आप एग्जाम नहीं दिए कोई ना कोई बहाना से। 10 लोग सक्सेस, बाकी 90 लोग का कुक्ड अप स्टोरीज। कुक्ड अप स्टोरीज मतलब क्या होता है? कुक्ड अप स्टोरीज मतलब अरे मेरा तो ऐसा हो गया था, अरे मेरे फैमिली में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था तो मैं फिर छोड़ दिया एंड मैं ऐसा ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है भाई। हम जहां से आ रहे हैं ना, मतलब सच बता रहे हैं, तुम लोग तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी पैसा कमाने का टेंशन नहीं है दिमाग में, सिर्फ पढ़ाई करना है। क्या लाइफ होगा तुमको आइडिया नहीं है। आज के दिन पे मैं टैग देख के कपड़ा नहीं खरीदता हूँ, कुछ भी चीज मैं खरीद सकता हूँ आज के दिन, कुछ भी, ठीक है। एंड ये वो 10 लोग भी कर सकते हैं, कंपनी बुला रहे हैं 5 5 लाख का ऐसे ही इंक्रीमेंट दे रहे हैं, कोचिंग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेंचर है, वहां कोई 22 लाख में काम कर रहा है, उसको बोलेगा आप हमारे यहाँ पर आजिए, मैं आपको 30 लाख देंगे। क्यों? क्योंकि वो स्किल सेट का डिमांड है आज के दिन पे इंडस्ट्री में। लोग तुम्हारा बात का भी कोई वैल्यू ही नहीं करेगा, तुम अभी घर का डिस्कशन में कुछ भी बोलेगा ना, बोलेगा तुम छोड़ो, तो
चुप रहो, तुम रूम के बाहर जाओ, ठीक है। लोग तुम्हारा वैल्यू तब करना चालू करेंगे जब तुम्हारे पास पहला बात तो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तुमने लाइफ में कुछ फोड़ा है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। आप देख रहे हो मार्क जकरबर्ग को, मार्क जकरबर्ग क्या कर रहे हैं, मार्क जकरबर्ग इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, ठीक है ना, मार्क जकरबर्ग, लेकिन वो कहाँ से ड्रॉप आउट है पहले वो तो देख, हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है वो, ठीक है ना। तो एवरी वन, आज हम लोग यहाँ पर कितना लोग है, 12 13 15 लोग है ऑनलाइन में, है 15 लोग 30 लोग है, इसमें से कोई 2 बनेगा, सब नहीं बन पाते भाई, सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसके लिए। अब तुम कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो वो बहुत मैटर करता है। कॉलेज का हो गया 6 घंटा, 8 घंटा तुम्हारा सोने का हो गया, क्योंकि स्लीप में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। 3 4 घंटा ऐसे समझ लो, तुम 5 घंटा तो पढ़ सकते हो भाई, ऐसा बात नहीं है, तुम कितना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। फिर उसके बाद बहुत सारा बच्चा लोग हो जो लोग खाली पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है, तुमको अपना स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, तुमको अपना बात कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तुम अपना मन का बात कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे सामने वाले को, तुमको टेक रिलेटेड स्किल्स नहीं आते है, तुमको एक्सेल नहीं आ रहा है, तुमको आर प्रोग्रामिंग नहीं आ रहा है, सब लोग मेरे को बोलेगा हमसे पेपर भी नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा है, हम छोड़ रहे हैं कोर्स। क्यों भैया, पेपर भी नहीं तो तुमको काम करना है एक्चुअल में, तो जब इंडस्ट्री में जाएगा तुमको एक्सेल में ही तो काम करना है, तो फिर तुमको आर प्रोग्रामिंग में ही तो काम करना है, तो फिर कोर्स हैज गॉट लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, एम्प्लॉयबिलिटी, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो पेंशन वैल्यूएशन का हो, इक्विटी मार्केट का हो, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, डेटा एनालिटिक्स, कोई भी तुम रिस्क मैनेजमेंट का डिविजन बोलो, सब में एम्प्लॉयबिलिटी है, सब में एम्प्लॉयबिलिटी है। आज के दिन पे 5 साल पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था, तुम लोग बहुत ब्लेस्ड हो। ब्लेस्ड क्यों हो पता है, सही टाइम पे सही कोर्स को चुना है, सही टाइम पे सही कोर्स को चुना और सही जगह पे हो तुम लोग, सच बता रहा तुम लोग, सही टाइम सही कोर्स और सही जगह पे तुम लोग आज बैठे हैं, अपने आप को ब्लेस्ड मानो, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना, ये जो प्रोफेशनल कोर्स है ना भाई, इसमें कोई प्रवीण सर कुछ नहीं करते, हम तुमको स्पून फीड नहीं करेगा, ठीक है, हम तुमको लेकिन ये बता सकता है कि कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है, एक डिसिप्लिन मैनर में। इट विल बी वेरी बोरिंग, इट विल बी वेरी बोरिंग, तुमको लगेगा कि भाई क्या चल रहा है, सेम सेम रूटीन, सेम सेम रूटीन, वही होता है, वही होता है। सुबह उठना है, आज भी मैं अगर मैं यहाँ आया, ठीक है, अच्छा लगा, मैं पैशन से काम कर रहा हूँ, पैसा का नहीं है मेरे को, मैं हो गया लाइफ पे, मैं कमा लिया, मैं फिर भी सुबह 4 बजे उठता हूँ, मेरा एक डिसिप्लिन है कि मेरे को वॉक पे जाना ही है, जाना है तो जाना ही है, बारिश भी हो रही है तो जाना ही है। अब तुम लोगों का क्या है, घर में शादी है, शादी है किसी फुफ्फड़ के पोते का, उसमें तुम लोग पहले किस दिन छुट्टी लेगा, सारा गाना में डांस तुम लोग को करना है, पैसे नहीं होता है, ठीक है। तो तुम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि तुम लोग कितना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है लाइफ में, जितना सैक्रिफाइस तुम लोग कर सकता है, ठीक है। अब जैसे और एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम फिजिकल क्लास में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम बोला, हम बच्चा बोला हम फिजिकल क्लास में नहीं आएगा, बोले क्यों नहीं आएगा, बोला सर हमको आने में 1 घंटा लगता है, मकसद क्या है, टाइम बचाना है कि लाइफ में आगे बढ़ना है। अब वो क्या करेगा, घर से 2 3 दिन तो क्लास करेगा, फिर वो क्या करेगा, रिकॉर्डेड में आ जाएगा, फिर वो क्लास ही नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, जो पास हो रहा है ना भाई वो कुछ ना कुछ तो अलग कर रहा है, इंटेलेक्ट का कमी नहीं है, वो कैसे कर रहा है वो मैटर करता है। हम इस वीकेंड में बुलाएगा, सैटरडे संडे 2 3 लोग को बुलाएगा, तुम लोग एक बार कंपेयर कर लेना कि तुम लोग क्या करता है और वो लोग क्या करते हैं, सेम थिंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी तुम लोग एक अच्छा चीज क्या किया कि सितंबर में तुम लोग अर्ली वाला बैच ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो अप्रैल तक बहुत टाइम मिलेगा, बीच में एक दो बार ब्रेक भी आएगा, 10 दिन 15 दिन का ब्रेक आएगा, तुम लोग कर लेगा, तुम लोग आपस में देखेगा, 4 दोस्त लोग को देखेगा, वो लोग एंजॉय करा, तुमको अंदर से फोमो होगा, मेरे को भी करना चाहिए क्या, वन लाइफ लिव इट, क्या लाइफ है, पैसा मांग रहे हो मम्मी पापा से, ठीक है, कुछ कुछ तो नहीं है, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, तो क्या लाइफ है, लाइफ होगा डिग्री आने के बाद, ठीक है, बैंक में क्रेडिट होगा हर महीना पैसा, फिर वो भी एक सर्टेन टाइम तक, फिर तुम अपना कुछ करेगा, उसके लिए तुमको बहुत फोकस होकर पहले एक डिग्री लेना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है, एकदम 3 इडियट्स में एकदम सही चीज बोला है, मतलब कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी, एकदम एकदम सही चीज बोला है उसने, ठीक है। हमने बोलते हुए देखा है, पहले हम बोलता था ना, बोलता था तुम भाजो रूम से, आज के दिन में बोलता ना बकवास बोलता, लोग बोलते क्या बोल रहा है, बिल गेट्स बोल देगा खाना कम खाना चाहिए, अरे बाबा क्या बात बोला है, लाइफ एडवाइस, क्यों लोग उसका बैंक बैलेंस देख रहे,
ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चीज है, तुम आज यहाँ पर बैठे हैं, और कोई भी कोर्स जो तुम पढ़ रहे हैं ना भाई, उसको कभी भी इस वे से मत पढ़ना कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। हमको पता, अभी तुम कोई चीज नहीं समझ आएगा, तुम 5 साल बाद जब तुम मेरा लेवल पे आएगा, हम भी जब वहां बैठा था ना, मेरे को जब आके कोई ज्ञान दिया था यहाँ पर कि एग्जाम पास होने के लिए मत पढ़ना, मतलब एग्जाम तो पास होने के लिए पढ़ना चाहिए, अब भी नहीं समझ, अब मेरे को समझ में आ रही कि क्या वैल्यू है। इंटरव्यू के टाइम पे तुमसे पूछेगा जब मैट के अंदर का कोई क्वेश्चन, तुम बोलेगा हाई लाए, तुम छोड़ दिए थे, ये तो मेरा हुआ ही नहीं था, ये तो मेरा भी डाउट रह गया था। ऐसे नहीं होता पड़े भाई, तुम 4-5 चैप्टर छोड़ के चला जा रहे एग्जाम में, तुम चीटिंग कर ले रहा है भाई। बात सोच, ठीक है, दो एग्जाम मान ले तुम आए, कोई ओपन बुक है, तुम दो एग्जाम में चीटिंग कर भी लिया, ठीक है, तुम पास हो गया, 80-80 नंबर तेरा आ भी गया, आगे आगे क्या जॉब में लेगा? उसको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कौन कौन बच्चा चीटिंग करके पास हुआ, हम बता देंगे 2 मिनट में। वो 2 क्वेश्चन ही पूछेगा तुमसे, वो 4 प्रोडक्ट का नाम पूछेगा, तुम नहीं बता पाएगा। तो गोल क्या है पहले ये सोचो, पहले आज घर में जाकर अपना दिमाग को सेट करना है कि मैं क्या करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं किस लिए मम्मी पापा से पैसा मांग रहा हूँ, मैं क्यों इतना पैसा स्पेंड कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ। और 50-50% देके कुछ नहीं होगा लाइफ में, होल हार्टेडली पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, होता है तो पढ़, नहीं तो मत पढ़। ये नहीं होगा कि भाई तुम किया, एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, मन नहीं कर रहा है, कभी किया कभी नहीं किया, वैसे नहीं होगा। हम चैलेंज के साथ बोलते हैं, अभी हम लगातार 10 दिन क्लास लेगा, ठीक है, हम लिख के जाएंगे उसको कॉपी में, जो 10 दिन लगातार क्लास में आएगा वो बच्चा फेल हो जाए तो हम पूरा पैसा वापस कर देंगे। क्यों पता है? इंटेलेक्ट का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, बच्चा का कंसिस्टेंसी चेक होगा अभी आज, कि आज जो आया अगला 10 दिन तक जो आएगा, इसीलिए 6 से 8 का टाइम रखा, 6 से 8 कोई कॉलेज भी नहीं होता है, 6 से 8 कोई कॉलेज भी नहीं होता है। और सीएम वन का ही क्यों रखा? क्योंकि तुमको मेरा दरकार बार बार नहीं पड़ेगा, तुमको मेरा दरकार सिर्फ सीएम वन के टाइम पे ही पड़ेगा। एक पेपर जो बेसिक पेपर है, एक बार क्लियर होता है ना भाई, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है। तुम लोग क्या देख रहे हैं, सीएम वन इज वॉट 1/13, बट आई सी इट सीएम वन डन मतलब 80% वर्क डन। क्यों पता है तुमको? अब पता है कि मेरे को कब चालू करना है, मेरे को हर दिन कितना एफर्ट लगाना है, मैं पिछली बार कहाँ कहाँ गलत हुआ था, ठीक है, और कितना घंटा का टाइम मेरे को देना है, मैं एग्जाम दिया और मैं पास हो गया। अब ये प्रोसेस को तुमको रिपीट करना है, ठीक है, तुम चीज समझ। 9 साल लगा दूसरा सेंटर खोलने में, बट दो और सेंटर हम खोलेगा 2 महीना, क्योंकि मेरे को प्रोसेस समझ में आ गया क्या करना है। यही सबसे बड़ा चीज है जो तुम नहीं समझ पा रहे, तुम अभी सोच रहा है 10 साल आगे का। जैसे बच्चा, हम लोग, अरे हम भी तो स्टूडेंट ही है, अभी हम भी स्टूडेंट ही है, प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है? माइंडसेट का प्रॉब्लम है। तुम अभी भी ये सोच रहा है कि इसके संग हम और क्या कर सकते, और कैसे करियर को बेटर बना, पहले जो कर रहा उसको तो अच्छे से कर, इस पे तो टाइम दे पहले, एक एक स्टेप करके लेना पड़ेगा, ठीक है, एक एक स्टेप करके लेना पड़ेगा। पहला चीज ये, ठीक है, एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है भाई कि एक डिग्री दरकार होता है, ठीक है, एंड एक जील होता है अंदर से। जब मैं सीए नहीं बना था ना, मैं तुमको बताता हूँ, मेरा फुल टाइम ट्रेनिंग था, ठीक है, मैं तुमको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेनिंग था, लोगों को 2 साल लगता है सीए फाइनल का प्रेप करने में, मैं एक बार दिया, मेरा नहीं हुआ, 200 वॉज दी पास, आई गॉट 199। जो भी फेल होता है ना, वो फेल ज्यादा नंबर से नहीं होता है, फेल अगर होता है तो भी 2 नंबर 3 नंबर से ही होता है, प्रोफेशनल एग्जाम। तुमको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं बहुत ज्यादा नंबर से फेल, नहीं होता है कोई, हम लोग तो देख रहे हैं मैक्सिमम 5 नंबर का फर्क रहता है बिटवीन द कट ऑफ एंड द स्टूडेंट स्कोर। वो 5 नंबर कहाँ लूज किया? बीच में 3-4 दिन जबरदस्ती नहीं पढ़ा, जानबूझ के अड्डाबाजी किया, जानबूझ के नहीं पढ़ा, ठीक है, वो फेल हो रहा है तो 2, 3, 4, 5 नंबर से ही हो रहा है वो। ये तुमको समझना पड़ेगा कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो। आज से एक नियम बनाओ कि भाई कुछ भी हो जाए, 6 से 8 मेरे को सीएम1 पढ़ना है, 2 घंटा का ही नियम बनाओ। तुम देख तेरे अंदर, अगर 1 महीना तुम करके देख, 6 से 8 मेरे को सीएम1 पढ़ना है, कुछ भी हो जाए मैं अच्छे से पढ़ूंगा सीएम1, 6 से 8 यही फॉलो कर रहे, और वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा पढ़ना, बाकी पूरा टाइम तुम कुछ करना तुम करो। दिन का मेरे को एक वीडियो देखे बिना रात में नींद नहीं आना चाहिए भाई, एक वीडियो तो मिनिमम देख के सोना ही है मेरे को,
ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है जो तुम फॉलो नहीं करेगा तो तुम्हारे अंदर कितना ही इंटेलेक्ट क्यों ना हो तुम नहीं क्रैक कर पाएगा प्रोफेशनल एग्जाम। इट ऑल नीड्स योर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं होता है, कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन क्या है? तुमको आज हम बोल के जाएंगे, कल तुम भूल जाएगा, फिर परसों बोलेंगे, फिर तुम एक दिन बाद भूल जाएगा, नहीं होगा वैसे। ठीक है, ये हो गया एकदम बेसिक चीज। नाउ कमिंग टू दिस कोर्स, ठीक है, एक्चुअली इसके लिए, ठीक है, पास हो गया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जॉब वॉब सब है, ठीक है, आगे बहुत अच्छा करियर है, यूके मार्केट्स खुला हुआ है। मेरी एक स्टूडेंट आरुषि मोदी, नाउ शी इज इन यूके, ठीक है, बहुत सारा बच्चा लोग यूके में एमएससी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मार्केट पूरा खुला हुआ है, ठीक है ना, तो वो सब ठीक है। बच्चा फेल क्यों हो रहा है? ठीक है, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए, लोग भी ऑनलाइन से ज्वाइन किया, आप लोग चैट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए, मैं सारा क्वेरी लूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए कोर्स जो है उसको टोटल में दे रहा 13 पेपर्स, आप लोग सबको पता है 13 पेपर्स है। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसको एक माइंड में रोड मैप होने से फर्स्ट यहां पर जीतना पड़ेगा, फिर यहां ऐसे करके हम लोग जीतेंगे। ठीक है ना, पहले माइंड में जीतना पड़ेगा कोर्स को। ठीक है, तो लेट्स ब्रेक द कोर्स एंड अंडरस्टैंड कि क्या ऑर्डर देने से अपने को अच्छे से 4 साल में 5 साल में, बाकी दुनिया जो भी बोलेगा वो नॉइस है, कोई बड़ा कंपनी का बड़ा मैनेजर भी बोलेगा तो भी नॉइस है। ठीक है ना, कन्विक्शन के साथ आगे बढ़। ठीक है, मैं बता रहा हूं, कोई तेरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, सिर्फ तेरा माँ बाप और हम, दो ही लोग है बस हम, क्योंकि हम पैसा लिया है। ठीक है, और मेरे पापा निष्पक्ष भाव से एकदम कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, और कोई थर्ड पर्सन नहीं देखना चाहेगा तेरे को आगे बढ़ते हुए। जो आगे बात सोचो ना, जो चीज मेरे को करने में 10 साल लग गया, अगर हम देखेंगे कोई अगर मान लो 4 साल में करे, मेरे को जलन का भावना आएगा ही आएगा भाई। बहुत सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, इसीलिए ऐसा मिथ बनाया, ज्यादा पेपर मत क्लियर करो। ठीक है, कॉलेज के समय 2-3 पेपर ही क्लियर करो। ठीक है, ब्रेक लो भाई, ब्रेक बोल के कुछ नहीं होता है, एवरीडे यू आर टेकिंग अ ब्रेक, हर दिन 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 का 1 घंटा तुम निकालते हो, जो भी हॉबी तुम उसे परस्यू कर। ठीक है, आज हम लोग एक मैपिंग करेंगे, वी आर स्टार्टिंग विद CM1। ठीक है, तो CM1 के साथ में आप लोग चाहो तो आप लोग एक छोटा एग्जाम दे सकते हो, विच इज CB1। अब देखो प्रॉब्लम कहां पर आएगा, 13 पेपर को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो उसमें 8 बड़ा पेपर है और 5 छोटा पेपर है। छोटा पेपर मतलब CB1-2, CP2, CP3 एंड CB3। CB3 आप कंपनी के पैसे पे देना, ठीक है, अभी अभी नहीं देना है। CB3 बेसिकली आपका ऑनलाइन सिमुलेशन होता है, उसमें टोटल में आपको 15-20 घंटे ही देने हैं। तो 13 पेपर माइंड में है भाई, 13 पेपर माइंड में है। कोई ऐसा कोर्स है, CFA में क्या होता है, एक लेवल में 10 एग्जाम होता है, CA में क्या होता है, इंटर में 6 पेपर हो गए, पहले 8 था, फाइनल में 8 था, अभी 6 हुआ है, मैंने 8 एग्जाम दिए। एंड एक एक एग्जाम का जो ट्रेनिंग होता है वो 300-300 घंटे का होता है, एंड एक दिन छोड़ के एग्जाम होता है। यहाँ वो तो फैसिलिटी है कि तुम आराम से अपने कन्वीनियंस पे दे पा रहे एग्जाम्स। माइलस्टोन क्या है? माइलस्टोन दो ही है, एसोसिएट एक्चुअली फेलो एक्चुअली। एक एग्जाम दिया क्लियर हो गया, वो माइलस्टोन नहीं है हमारे लिए, वो हमारे लिए माइलस्टोन नहीं है। जिस दिन या तो एसोसिएट बना उस दिन केक काट, या फिर फेलो बना उस दिन केक काट। एक एग्जाम क्लियर हुआ तो लिंक्डइन पे डालने का दरकार नहीं है, वो कोई माइलस्टोन नहीं हुआ, वो तो एक एग्जाम, बेसिक एग्जाम क्लियर हुआ भाई। हाँ, हैप्पीनेस से समझ में आ रहा है अंदर का, ठीक है, वो ठीक है डाला, ठीक है, अच्छा बात है, बट जस्ट बता रहा है। ठीक है, वो माइलस्टोन मेरे, मैं नहीं मानता माइलस्टोन। ठीक है, CM1 के साथ अब देखो तुम छोटा पेपर को कैसे बैलेंस करता है, तो उससे तुम्हारा टाइम कैसे कम होता है, क्यों ज्यादा टाइम और क्यों कम टाइम। तुम हर अटेम्प्ट में ट्राई करो कि एक बड़ा के साथ एक छोटा पेपर दो। बहुत बार क्या होता है, CM1 में 2 एग्जाम होता है, वो एक एग्जाम तुम्हारा खराब हो गया, फॉर एग्जाम्पल 10% प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारे पास और एक पेपर प्रिपेयर किया हुआ रहेगा। ठीक है, एंड तुम लोग अभी जो स्टूडेंट है लोग हैं, हम लोग आराम से एक बड़ा के साथ एक छोटा पेपर दे सकते हैं। अभी CB1 हो सकता है, फिर CB2 हो सकता है, अगर तुमको इको पसंद है तो CB2, फाइनेंस पसंद है तो CB1, प्रेफरेबली CB1 से चालू करना चाहिए। ठीक है, ये पहला अटेम्प्ट में तुम अगर क्लियर करते हैं, अब देखो तुम बोलेगा सर हम दो दे रहे हैं, अब मान लो मेरा दोनों नहीं हुआ, तो ये माइंडसेट से मत आगे बढ़, नेगेटिव माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ना। आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि पहले अपने माइंड में अपने बारे में पॉजिटिव चीज आप लोग को करना पड़ेगा कि आई कैन क्लियर इट, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ उस चीज। ये हो गया आपका पहला अटेम्प्ट का प्लानिंग।
दूसरा जो सबसे बड़ा गलती होता है वही होता है कि हम लोग एग्जाम देने के बाद में वेट करते हैं। हम लोग वेट करते हैं, मान लो 2 महीना वेट किया, 1.5 महीना, 2.5 महीना, तो वही आपका टाइम चला गया था। फिर बाकी 2.5 महीना में आपको पूरा 5 महीने का कोर्स को करना पड़ेगा। चीज समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज अपने को नहीं करना। एग्जाम खत्म हुआ, एक दो दिन का ब्रेक इज फाइन, वी नीड टू स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जाम प्रिपरेशन। वी कांट वेट टिल रिजल्ट्स। रिजल्ट विल कम 3 मंथ्स के बाद में, तो रिजल्ट तक तो अपने वेट कर ही नहीं सकते हैं। 3 महीना कुछ नहीं किया, फिर 3 महीना ऐसा, 3 महीना कुछ नहीं खाया, फिर 3 महीना पूरा पूरा खा लिया, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? एंड एक और जो चीज मैं बोलूंगा कि एक जन का एडवाइस मान के चलो, किसी को भी, मेरे को नहीं मानता ठीक है, अपना कॉलेज में किसी सीनियर को मानता, एक जन का एडवाइस को मान के पूरा कोर्स को करना पड़ेगा। तुम जिसको भी अपना मेंटर मानते हो, एक जन को मान के चलना पड़ेगा। महाभारत में क्या हुआ, अर्जुन क्यों जीता और दुर्योधन क्यों हारा, कोई बताएगा मेरे को? नहीं, ठीक है, श्री कृष्ण जी थे, दुर्योधन सबसे एडवाइस ले रहा था, एक कैसे युद्ध जीता जाए बताओ, कैसे जीता जाए बताओ। अर्जुन सिर्फ एक जन का ही बात मान, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। बोला क्या दिख रहा है तुमको, बोला चिड़िया का आंख दिख रहा है मेरे को। वेरी फोकस, एक जन का एडवाइस मान के चलना पड़ेगा, तुम जिसको भी मेंटर मानते हो, ठीक है ना? तो ये है। नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या कर सकता है, तुम CS1 के साथ पे CB2 देगा। अब देखो तुम बोलेगा भैया मेरा कॉलेज का एग्जाम है, हम कैसे करेंगे, मेरा कॉलेज का पढ़ाई है, मेरा कॉलेज का सोसाइटी है। कम सोसाइटी ज्वाइन करो, एक ज्वाइन करो, मन अभी तो एक ज्वाइन करो, वहां तुम्हारा टाइम बचेगा। बाहर थोड़ा कम जाओ, माइंडलेस स्क्रॉलिंग कम करो भाई, दो दो घंटा तुम लोग देख लो ना अपना फोन में, सोशल मीडिया खोल के देख लो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक एक घंटा तक भाई रील स्क्रॉल कर रहा है, बीच में मेरा भी आदत लग गया था, बीच में मेरा भी आदत लग गया था भाई, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? और फिर बोलेगा भैया कैसे टाइम मैनेज करे बताइए ना। सुनो क्या होता है, 2 घंटा वो इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल किया, ठीक है? तो स्क्रॉल कर लिया, अब उसके बाद उसको गिल्ट फील हो रहा है, भैया आई एम गिविंग CM1 कैसे मैनेज करें बताइए ना, एकदम टाइम नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज नहीं करना। मैं जब CB1 का प्रिपेयर किया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है? क्योंकि मैं और भी बड़ा बड़ा पेपर दे रहा था, पढ़ा भी रहा था, मैं बस में पढ़ता था। मेरा रूटीन क्या था पता है, CB छोटा पेपर को कैसे मैनेज किया जाता है, उसका एक हार्ड कॉपी रखता था अपने अपने पीछे बैग में, एंड मेट्रो में जा रहा हूँ, मतलब बस में जा रहा हूँ, मेरे को वो पढ़ना है, तो बस में आने जाने मेरे एक दिन का ट्रैवलिंग टाइम था 2 घंटा, ठीक है? तो उसमें मैं पढ़ता था, सिंपल है। अभी ये जो है, ये आया है ना गुड़गांव से, ठीक है? अभी 1.5 घंटे ट्रैवल करके आया है, ठीक है? अब ये बोलेगा सर कि मेट्रो में तो बहुत भीड़ रहता है, तुम वो सुनो, तुम क्लास सुनो। बोलेगा सर आप तो एक ही डिवाइस में देते, मेरा लैपटॉप है, यूट्यूब पे इसलिए तो सर क्लास चल रहा है भाई, YouTube देख ले, करेगा तो सब चीज है, ठीक है ना भाई? ऐसे ही होता है पढ़ाई। फ्लाइट के पहले मूवी डालना इज इंपॉर्टेंट। तुम जब डेली ट्रैवलिंग कर रहे हो, 40 मिनट्स ट्रैवल कर रहे हो, इस दीज आर द हैक्स। यस, तुम क्या कर रहे हो, पूरा दिन थक जाएगा, फिर तुम रात में पढ़ाई करेगा, मॉर्निंग में सुबह उठ के तुम कॉलेज जा रहे हो, 8 बजे सबका कॉलेज चालू होता है, तो ठीक है ट्राई करो भाई, ट्राई करो 5 बजे। सुबह का जो पढ़ाई है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई नहीं बीट कर सकता उसको। हो सकता है अलग अलग लोगों को अलग अलग मतलब टाइम पे, अगर तेरे लिए रात काम कर रहा है तो बहुत अच्छा चीज है, बट एक बार तू ट्राई करके देख मेरे बोलने, ठीक है? सुबह तो 2 घंटा पढ़, फिर तेको पूरा दिन लगेगा रिलैक्स, क्योंकि तेरा पढ़ाई हो गया पूरा दिन का, आपका तो पूरा दिन का पढ़ाई हो गया ना, फिर तो अगर आपका पूरा दिन का पढ़ाई हो गया, फिर आपको पूरा दिन रिलैक्स रहेंगे कि मेरा अब मैं थोड़ा एंजॉय भी कर सकता हूँ, तो पूरा दिन दिमाग में टेंशन रहेगा, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। यू नीड टू बी वेरी मच कि भाई आप जो काम कर रहे हो, अभी आप यहाँ बैठे हो ना, आप सोच रहे हो कि मेरे को सेल्फ स्टडी करना है, आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे दोस्त लोग के संग में प्लान है, जो कर रहे हो 100% उसको करना पड़ेगा। 2 अटेम्प्ट में 50-50% देके आप पास नहीं होगा, आपको 1 अटेम्प्ट में 100% एफर्ट देके आपको पास होना पड़ेगा। देयर इज नो प्लान बी, एक अटेम्प्ट लिया उसको एकदम अच्छे से करके करना है। फर्स्ट ईयर जो आपका जाएगा ना, ये जो फर्स्ट ईयर जो आपका जाएगा, दिस इज वेरी क्रूशियल, ठीक है? 50% बच्चा तो यहीं छट जाता है, समझ लो।
ये मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो पूरा ग्लोब में किसी का नहीं। एक्चुअली इस फील्ड में किसी पूरा ग्लोब में, इंडिया को छोड़ दो पूरा ग्लोब में नहीं, 50% बच्चा यहीं छट जाते। हमारे पास में एडमिशन का डेटा है, नहीं समझा क्या? सीएमसीएस में 200 एडमिशन है, सीएस2 में एडमिशन इज रफली 75 to 80। बहुत सिंपल है, ये एक साल बहुत ज्यादा मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा बेस बनाएगा, ये एक साल तुम्हारा बेस बनाएगा। ये एक साल अगर तुम एकदम अच्छे से पढ़ लिया तो तेरा जो एक्चुअल मैथ जो है बेसिकली बैंकिंग एंड लाइफ इंश्योरेंस का बेस बन गया, एक्सेल का बेस बन गया, आर प्रोग्रामिंग का बेस बन गया, फाइनेंस का बेस बन गया, इको का बेस बन गया, स्टेटिस्टिक्स का बेस बन गया। अब बाकी सब बिल्टअप है, बाकी सब बिल्टअप है। CS2 इज अ बिल्टअप ऑफ CS1, CM2 इज अगेन उसमें एक्सेल भी है, अगेन इट्स फाइनेंस। ठीक है, कुछ लिखने का दरकार नहीं है दीदी, कुछ भी लिखने का दरकार नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर इज वेरी क्रुशियल। अभी तुम लोग जिस फेज में है, एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा डिसिप्लिन टोन सेट करता है। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर पता है क्या लड़का लोग को? बैटिंग ऑर्डर बताएगा एक बार इंडिया का, इंडियन टीम का? नहीं फॉलो नहीं करता। हाँ, वर्ल्ड कप में बता दो, चल ऑनलाइन में बताओ तो इंडिया का एक बार बैटिंग ऑर्डर बता दो, बस खाली एक बार इंडियन टीम का बैटिंग ऑर्डर बता दो एक बार। रोहित शर्मा कौन है? कैप्टन है, वो पहले उतर रहा है। ठीक है, क्या बोला है उसको कोच? क्या बोला है उसको? बोला पूरा टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो तुम पे डिपेंड करता है, तो टोन सेट करके आना, ऐसे मत आना। वो आता है मारता है, टोन सेट करता है। फिर कौन आता है? देखा, फिर कौन आ रहा है? फिर ठीक है, फिर कोई भी है। ये समझो पहला दो जो है ना वो ही मेन है। ये बेसिक है भाई, ये बहुत बेसिक है। सीए में भी क्या होता है, मैंने जो पढ़ा, इंटर इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनल। तुम इंटर पे अपना बेस जो बना लिया, फाइनल तेरे लिए उतना इजी हो जाए। 50% लोगों तो तुम यही क्रॉस कर लेगा, वो जो 90% का कैलकुलेशन चाहिए ना तुम लोगों को, ये रहा देखो, 50% तुम यही चीज है। और तेरे को एक कॉन्फिडेंस भी आएगा मन में कि मैंने एक साल में अगर चार किया है, ठीक है, अब मेरे को डिसिप्लिन वाला में इसको फॉलो करना है। ठीक है ना, एक दिन में नहीं होगा, ये इयर्स का मेहनत है, तभी तो प्रोफेशनल बोला जाता है ना, तभी तो लोग इतना पैसा देते हैं भाई। आज के दिन पे वर्क फ्रॉम होम का 30-30, 35-35 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। ठीक है, एंड आने वाला टाइम में कोर्स का जो डिमांड हो जाएगा ना, तुम लोग सोच नहीं सकेगा, तुम लोग सोच नहीं सकेगा। अभी तो फटा नहीं है कोर्स, अभी तो फटेगा, अभी तो एआई आएगा। ठीक है, उसके बाद में अभी कैटास्ट्रोफिक मॉडलिंग आएगा। आज के दिन पे देखो क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, कितना लोग एम्प्लॉयड है कैटास्ट्रोफिक मॉडलिंग में। हम लोग से अच्छा कोई नहीं कर सकता मॉडलिंग, चाहे वो फाइनेंशियल मॉडलिंग हो, चाहे वो कैटास्ट्रोफिक कोई भी टाइप का। यूएस यूके में इंसान का बॉडी पार्ट इंश्योर्ड है, जो सिंगर है उसका लिप्स इंश्योर्ड है, फुटबॉलर का लेग्स इंश्योर्ड है। इंडिया में भी ऐसा नहीं है। हम लोग के घर पे ना जब दांत में दर्द होता है ना, मम्मी बोलती है सो जाओ गर्म पानी का कुल्ला करके। फॉरेन में वो लोग तुरंत डेंटिस्ट के पास में जाते हैं, माने तू डेंटल इंश्योरेंस वैसा वैसा टाइप का चीज होता है। ठीक है, तो अभी तुम एक आईफोन लिया 1 लाख रुपए का, तुरंत तुमको बोलेगा सर आप एप्पल केयर ले लीजिए। व्हाट इज दिस एप्पल केयर? बोलेगा सर 10% आपको पे करना है, ठीक है, एंड आपका फोन गिर के टूट जाए, पानी में डूब जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा हम आपको नया फोन देंगे। ठीक है ना, तो ये जो चीजें सोचो पहले नहीं था, आज के दिन पे मोबाइल फोन तक आ गया, मूवी टिकट तक आ गया, फ्लाइट टिकट तक आ गया, पेनिट्रेट हो रहा है, टाइम लगता है। ठीक है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2040, आने वाला 25 साल कहीं नहीं है, कहीं नहीं है मार्केट में, कहीं नहीं है भाई। एंड तुम लोग रन करेगा उसको। पहले कोर्स का इंपॉर्टेंस समझ लो कि कहाँ तुम लोग काम करने वाले, विजन क्लियर होना चाहिए भाई कि हम क्या कर रहे हैं। कोई ऐसा वैसा कोर्स में तो टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना। बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी की, तो एम्प्लॉयबिलिटी में हम बोलेंगे सर मेरा एक बिल्डिंग में ना एक भैया है, वो भैया का ना अभी तक नौकरी नहीं लगा है। हम पूछे भैया का कितना पेपर क्लियर है, तो बोला दो। हम बोले भैया को सॉफ्ट स्किल में क्या आता है, बोला भैया कुछ नहीं, तो नौकरी नहीं लगेगा। यू मिसअंडरस्टैंड कि कॉलेज का प्रॉब्लम है, कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुमको टेक्निकल स्किल्स आना चाहिए, तुमको काम सब कंप्यूटर में ही करना है। एसक्यूएल हो गया,
अभी जैसे हम लोग का हमने कम्युनिटी है ना उसमें डाला है, एक्सेल का पूरा फ्री क्लास डाला है, दैट इज एडवांस एक्सेल डन बाय एक्सेल एक्सपर्ट नेशनल इंश्योरेंस. वो 8 साल से शी इज वर्किंग एंड शी रन क्रेजी एक्सेल. वो हमने सबके लिए अवेलेबल कराया, नो कॉस्ट, नो कॉस्ट, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो गोल माइंड में सेट होना चाहिए लॉन्ग टर्म, 5 साल में हमको कहाँ रीच करना है. और कॉलेज एग्जाम रहेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा. जब कॉलेज के एग्जाम में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आके करना. तो 50% का कैलकुलेशन यहाँ आ गया. इसके बाद में आप CS2 दो. CS2 इज बेसिकली सर्वाइवल एनालिसिस एंड रिस्क मॉडलिंग. ये आपका CS1 का बिल्टअप है जनरल इंश्योरेंस के ऊपर में. इसमें भी आर प्रोग्रामिंग एंड स्टेटिस्टिक्स, ये आपका अटेम्प्ट 3. फिर आएगा आपका CM2, इसके साथ में आप CP2 दे सकते हो, बिकॉज CP2 इज अ पेपर ऑन मॉडलिंग एंड CM2 इज स्टॉक मार्केट्स, वेरी इंटरेस्टिंग पेपर. ठीक है, तो आप देखो पहला 2 साल में आपका जितना CB3, आप समझ लो कि आपका क्लियर है, CB3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो यहां पर अगर अपने देखते हैं, और एक और अटेम्प्ट में आप दे सकते हो CP1 एंड CP3. प्रवीण संचेती सर पढ़ाते CP1, ठीक है, तो ही इज 4 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक वन, ही नोज. एंड CP1 जैसा पेपर जो लोगों को 3 3 साल लग जाता था पढ़ने में, हमने सिखाया कैसे उसको 3 महीने में कर सकते. एक्सटेंसिव क्लास होता है CP1 का, 200 घंटे का पूरा, टॉप नॉच. हमने पहले उस चीज को 200 बार पढ़ा है, हमने समझा है, तब जाके हम उसको कम टाइम में आपको करा पा रहे. ठीक है, तो अब आप देखो इसमें अगर आप ये देख रहे हो, ये एसोसिएट एक्चुअली तक के पेपर्स हैं, जो आज के दिन पे कोई चाहे तो वो 2.5 साल में कर सकता है. सर क्या पास में लोगों ने किया है? द आंसर इज यस. कंसिस्टेंसी इज द की यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं. मैं भी ऐसे ही था, बेंच में था, जब फर्स्ट पेपर दे रहा था मेरे को भी ये लगा 12 मोर टू गो, 11 मोर टू गो, बट वो ऑटोमेटिक होते जाएगा. यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस, कि भाई डिफिकल्टी है जो भी है ठीक है, बट आई नीड टू स्टे कंसिस्टेंट इन दिस कोर्स. कोई टाइम में आप फेल हो जाओगे, नो प्रॉब्लम, फेल उस दिन होगे जिस दिन तुम कोर्स छोड़ दोगे. फेलियर वो है, नॉट गिविंग अप इज नॉट फेलियर. आज मैं कितनी बार फेल हुआ तुम लोग को आइडिया भी नहीं है. अभी जैसे जस्ट उसके पेरेंट्स आए हुए थे, ठीक है, तो हर मॉम शेड अ की शेड अ थिंग कि इसके जो सीनियर्स है दे हैव सेड कि भाई तू CB1-2 का ट्रेनिंग ना लियो. सेम थिंग मेरे संग हुआ था. CB2 उस समय मैं CT7 था, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि भाई मैं 2 दिन पहले पढ़ा था. मैं क्या सोचा कि जब ये 2 दिन पहले पढ़ा था तो मैं 1.5 दिन पहले पढ़ के, मैंने लास्ट का एक वीकेंड थोड़ा बहुत था, मैं बोला मैं पढ़ के दे सकता हूँ, अगर इसका क्लियर है मेरा क्लियर, मैंने नहीं बोल लिया. वो झूठ बोला था. कुछ लोग ऐसे ही बोलते, हम पढ़ा थोड़ी था, हम पढ़ा थोड़ी था, ऐसे ही बोलते लोग, क्योंकि दे डोंट वांट यू टू ग्रो यार, कम ऑन, दे डोंट वांट यू टू ग्रो, अंडरस्टैंड. दोस्त लोग ऐसे ही बोलेगा, अरे कल रात को ना मैं पढ़ नहीं पाया. वो ठीक पढ़ा है, वो ठीक पढ़ा है, मैं कल रात को ना पढ़ नहीं पाया, वो ठीक पढ़ा है, तो झूठ बोल रहा है. और झूठ नहीं बोल रहा था, मान लो कि झूठ बोल रहा था कि तुम पढ़ पाओ. तो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई क्या बोल रहा मतलब नहीं है. एंड कोर्स को चालू किया तो एक चीज याद करना, खत्म करना है, क्योंकि वैल्यू तभी बनेगा जब खत्म करोगे. बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगा, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, मैं अपना डिटेल में धीरे धीरे जाऊंगा, एक बार में सारा नहीं खोलूंगा. रिलेशनशिप का मेरा अलग एडवाइस रहता है, ठीक है, तो देयर इज फर्स्ट क्लास तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, ठीक है, तो सम अदर डे अबाउट रिलेशनशिप्स. बट यस, मतलब और भी कोर्सेज आएंगे तुमको, मतलब ये लगेगा कॉलेज में बहुत इन्वॉल्व हो रहा हूँ, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बट यू नीड टू स्टे वेरी कंसिस्टेंट. बहुत सिंपल है. एंड इसके बाद में जो फेलोशिप के एग्जाम्स है वो आप आराम से दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस है. मैं एटलीस्ट आप लोग सबके लिए आज ये प्रे करता हूँ कि आप लोग सब CM1 में है, हम लोग सब आने वाले 3 साल में एटलीस्ट वी कैन अटेम्प्ट एसोसिएट एक्चुअली, एंड देन यू टेक 3 अटेम्प्ट, नो प्रॉब्लम, गो स्लो, टेक 3 अटेम्प्ट एंड गिव 1 SP अगेन. एक बार एक SP दिया, फिर एक SP दिया, फिर एक ऐसे दिया, नहीं हुआ इन केस समवॉट, बट यस दिस इज द स्ट्रेटेजी कि कॉलेज तक एसोसिएट तो बन सकते हैं, एंड इट इज फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी लोगों ने किया है.
ऑल इट डिमांड्स स्पाई आस एवरी डे। ठीक है सर, मेरा 3 हो पाएगा भाई, तो 3 दे, तू दे लेकिन 3 दे पहले, ठीक है ना। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट आप लोग सब, और कोई अगर कम भी इंटेलिजेंट है ना तो भी मैं बता रहा हूं, अगर तू कंसिस्टेंटली उस चीज को करते रहेगा, आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो वो चीज आपका हो जाएगा। शुरू के 3 4 महीने बहुत प्रॉब्लम होगी, अभी आने वाले 10 दिन हम लोग सिर्फ यही अटेम्प्ट करेंगे कि सीएमएल में जितना भी प्रॉब्लमेटिक चीज है वो हम लोग एकदम अच्छे से करें। फिर उसके बाद मेरे को रिकॉर्डिंग देखना हो सर लाइव, मैंने उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सब इंडिपेंडेंट रहो एंड आप खुद से पूरा कोर्स कंप्लीट करो। आने वाले 10 दिन मैं यही ट्राई करने वाला हूँ, इसलिए जैसे आठ रखा है, ठीक है, मैं सिर्फ यही ट्राई करूंगा कि आप लोग सब को सीएम वन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दिया है। ठीक है, अगेन एसपी लेवल ये सब में क्या होता है, आप जैसा काम करते हो वैसा एग्जाम्स होता है। जब आप जॉब में जाते हो उसका बहुत बहुत प्रेशराइजिंग हो जाता है, 12 घंटे का काम होता है, उसके बाद मैनेजर का गाली सुनो, एंड यस इट हैपेंस। ठीक है ना, तो ये सब चीज ओके। तो आइए अब आप लोग ये वाला, किसी को अगर कॉपी करना है तो कर सकते हैं, ये अगर किसी को करना है तो वो कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग को क्या करना है ना, आप लोग सब जैसे बहुत दूर से आ रहे हो, ठीक है, तो कोई अगर 2 पेपर ले रहा है, बीच में गैप है, या फिर आप लोग सबको कॉलेज के बाद आके पढ़ना है, तो दिस इज अ लाइब्रेरी ऑल्सो। ठीक है, अभी जब हमारे क्लासेस चलेंगे तब लाइब्रेरी नहीं रहेगा क्योंकि दोनों रूम में क्लासेस चलेंगे, बट बाकी दिन आप लोग सब आके यहाँ पर पढ़ सकते हो। देर विल बी फैकल्टी जो लोग डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, आइए अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे सीएम वन का, लेट्स हैव अ हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ सीएम वन। देखो इसमें क्या है ना, आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, एक हो गया आपका पेपर ए, जो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं वो लोग के लिए पेपर ए में क्या है, वो लोग के लिए पेपर ए में है कि आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आएगा। एमसीक्यू विल रेंज फ्रॉम 1 मार्क्स टू 5 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको घर से देना है प्रॉक्टर्ड एग्जाम। ठीक है, और पेपर भी एक्सेल वाला एज इट इज होगा, चाहे वो आप आईएफओ से करो चाहे आप आईए से करो। आईएफओ में क्या नियम है कि आपको ओपन बुक एग्जाम है अभी तक, बट दे आर प्लानिंग दैट दे विल इंट्रोड्यूस प्रॉक्टर्ड एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि छापा और लिख दिया, इतना इजी होता ना भाई, तो मेरे जैसा लोग इतना कमा नहीं रहा होता। ओपन बुक का मतलब ये है कि क्वेश्चन ऐसा चैलेंजिंग आएगा कि जो 300 400 घंटा तक प्रेप किया है वही सिर्फ कर सकता है उसको, नहीं तो सब लोग नहीं कर सकते उसको। तो उसके लिए सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस को अच्छे सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग आईएफओए का रिविजन नोट्स पूरा अच्छे से बनाएंगे, जिसमें लास्ट 20 टर्म्स का पूरा पेपर है। इंस्टीट्यूट के मैथ का पूरा बैक क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट बनाएंगे जो रिवीजन पेपर्स की तरह होता है, फिर हम लोग कुछ आईआई का क्वेश्चंस भी करेंगे, आईआई के पेपर्स भी बनाएंगे। कॉन्सेप्ट एकदम पानी होगा तो तुम्हारा इंटरव्यू भी क्रैक होगा। एंड जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी सीएम वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आउट ऑफ ऑल द 13 पेपर्स फॉर यू, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक हो गया आपका बैंकिंग, बैंकिंग मतलब समझ लो रुपया पैसा समझता है, बैंक का मेन फंक्शन क्या है, बैंक का मेन फंक्शन है बैंक क्या करता है, डिपॉजिट लेता है और लोन देता है। बैंक का एक बार बैलेंस शीट सोचो, बैंक का बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या आएगा, जो लोन दिया है, एंड लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, वो जो डिपॉजिट लिया है। बैंक क्या करता है देखो, फॉर एग्जाम्पल बैंक क्या करेगा ना, 1,000 करोड़ का अगर डिपॉजिट लिया है तो 20% अपने पास में रखेगा, 800 करोड़ का लोन दे देगा, बट बैंक यहाँ रुकता नहीं है। ये तो स्टैटिक काम हो गया कि जितना डिपॉजिट आया 20% रख के लोन दे दो। बैंक क्या करता है, अपना एसेट को दोबारा से बेचता है,
एसेट को दोबारा से बेचने का मतलब पता है क्या होता है? ये जो एसेट है ना, 800 को जो लोन दिया है बेसिकली, ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये एसेट मेरा है, ये खरीदा हुआ जगह है, ठीक है, सोचो कि ये खरीदा हुआ, खरीदा हुआ नहीं, खरीदा, ठीक है, तो 2-3 दोस्तों को लाएगा तो खरीद लेंगे, ठीक है, सोचो कि ये खरीदा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पैसा चाहिए, तो मैं बैंक के पास में जाऊंगा, बोलूंगा ये एसेट है, इसका पेपर आप रखो, आप मेरे को कुछ पैसा दो, ठीक है, तो एसेट गिरवी रख के मैं पैसा, एसेट दिखाता हूँ कि मेरा ईएमआई पे करने का कैपेसिटी है, अगर मैं ईएमआई पे नहीं, व्हाट सर व्हाट इज ईएमआई, ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, आज के दिन के बाद, आज के क्लास के बाद घर पे कभी भी बात हो ना फाइनेंस का, तो जाके बैठना बीच में, पापा बोलेंगे बाहर जाओ, नहीं हम सीख क्या है, ठीक है, तो बोला हम सीख क्या है, ठीक है, हम भी एडवाइस देंगे, मोटा मोटा हम तुम लोग को सिखा देंगे, 1 करोड़ का लोन में 1 लाख रुपए महीने का ब्याज बनता है, 20 से 25 साल का लोन का, ठीक है, तो ये बात तुम बोल देगा, पापा वाह कौन सा कुछ कर रहे तुम, ठीक है, फिर पापा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ तो इसका कैसे क्या होता है ना, ऐसे इज्जत बनाना पड़ता है घर पे, ऐसे तो नहीं बनेगा इज्जत, ठीक है, तो आज बैंक अपना एसेट दिखाएगा, बैंक अपना एसेट दिखा रहा है और वापस से कुछ पैसा उठा रहा है, जो पैसा उठा रहे ना उसको वापस से लोन दे रहे, और जितना बैंक का कैपेसिटी है रिस्क लेने का, ठीक है, रिस्क कैपेसिटी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम शादी में गए, बहुत सारा खाना लगता है, चाइनीज काउंटर, इंडियन काउंटर, मंगोलियन काउंटर, ठीक है, हम तो शादी में जाता ही था, किसका शादी है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लेट उठाओ हाईटी का, पहुंचना है 8 बजे, क्यों, क्योंकि 8 बजे हाईटी उठ जाता है, फिर डिनर लग जाता है, तो तुम्हारा एक होता है इच्छा और एक होता है खाने का औकात, दैट इज द एपेटाइट, बेसिकली एपेटाइट मतलब तुम्हारा कितना औकात है खाने का, इच्छा तो ज्यादा ही करेगा ना, चीज नहीं समझ रहा है, इच्छा तो ज्यादा ही करेगा, लेकिन एपेटाइट बोल के भी तो कोई चीज होता है, नहीं तो अगले दिन तो पेट खराब हो जाएगा, तो वही चीज बैंक और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि तुम्हारा रिस्क एपेटाइट कितना है, तो कितना रिस्क तुम्हारा, कितना क्षमता है रिस्क लेने का, ठीक है, और तुम कितना रिस्क ले रहे हो, वही हम लोग का काम है, आज के बाद कोई पूछे ना एक्चुअली क्या करता है, वी क्वांटिफाई रिस्क, वी मैनेज, नहीं बोला आप शादी में गए हैं, ऐसे एग्जांपल देकर उसको समझाना, बोला औकात के बाहर कभी खाना नहीं, औकात बेसिकली इज द रिस्क एपेटाइट, ठीक है ना, रिस्क एपेटाइट एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क लिमिट सेट करना, ये तो प्रोसेस है ना, मान लो बैंक यही प्रोसेस 10 बार कर, तो बैंक का तो क्षमता होना चाहिए ना, कहीं डिफॉल्ट हुआ, कहीं डिफॉल्ट होते डिपॉजिटर का पैसा कहां से देगा, डिफॉल्ट अगर लोन में होगा तो डिपॉजिटर का पैसा कहां, गरीब का पैसा कहां से देगा, ठीक है, ये चीज समझना, तो ये पूरा बैंक का जितना भी सारा मैथ है, मैथ मतलब जैसे तुम बैंक में घुसा, ठीक है, तुमको बोलेगा सर सीनियर सिटीजन का रेट है 7.8% और नॉर्मल का है 7.2%, तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा ये 0.6% का डिफरेंस क्यों, क्यों सीनियर सिटीजन को ज्यादा फेवर किया जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन आएगा, फिर तुमको बोलेगा सर आप 1 साल तक का पैसा अगर जमा करेंगे, आप 1 ईयर का पैसा जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 5%, आप 3 ईयर्स का पैसा अगर जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 6%, आप 5 ईयर्स का पैसा जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 7%, ये बोलेगा ना, बोलेगा अरे हम ज्यादा टाइम के लिए पैसा ले रहे तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, बिकॉज बैंक आपका पैसा ज्यादा टाइम के लिए रहती है, लॉकिंग योर मनी एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर अ लार्जर टाइम पीरियड, एंड तुमको ज्यादा इंटरेस्ट क्यों मिलना चाहिए पता है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, क्योंकि तुम अगर किसी को पैसा ज्यादा टाइम के लिए देता है ना तो उसमें रिस्क भी तो ज्यादा है, सोचो तुम्हारा एक दोस्त तुमको बोला, बोला मेरे को 100 रुपए दे कल दे देंगे, तुम बोलेगा ठीक है ले, तुम्हारा एक दोस्त तुमको बोलेगा नहीं, बोला नहीं देगा, तुम्हारा एक दोस्त तुमको बोला कि आज 100 रुपए दे हम 2 साल बाद देंगे, बोला हट यहाँ से, यही बोले बोले हट यहाँ से, ठीक है, तो ज्यादा टाइम पीरियड मतलब ज्यादा रिस्क, आज के दिन पे तुमसे दो जन पैसा मांगेगा, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, तुम पैसा किसको देगा, मुकेश को देगा, तुमसे दो जन पैसा मांग रहे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, तो पैसा किसको देगा, तो मुकेश को देगा पैसा भाई, क्यों, उसका क्रेडिट वर्थीनेस बहुत अच्छा है, उसके पास एसेट्स है, वैसे ही इंडिविजुअल्स का भी निकलता है सिविल स्कोर, एक और क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, आज के दिन में तुम यहां से निकलना, आज से जो भी चीज देखेगा ना उसको विजुअलाइज करो, तुम कोई भी होर्डिंग देखो, बजाज फाइनेंस का होर्डिंग देखो, 0% इंटरेस्ट, तुम कोई भी अप्लायंस खरीदने जाओ, ठीक
कोई भी अप्लायंस, रोटी मेकर से लेकर के वॉशिंग मशीन, तुम कुछ भी खरीदने जाओ, बजाज फाइनेंस का आदमी बैठा होगा, वो तुमको बोलेगा ईएमआई कर दे 0% इंटरेस्ट, बट एक्चुअली दैट इज नॉट जीरो। तो तुमको उसके पीछे का कैलकुलेशन जानने का उत्सुकता होना चाहिए। ठीक है, हम ये जो प्रॉपर्टी है दिल्ली सेंटर का, इसका वैल्यूएशन है 3 करोड़। ठीक है, हम बैंक के पास गया, अपना आईटीआर आईटीआर जमा किया, तो हम 3 करोड़ का लोन उठा लिया, मेरा महीने का ब्याज बन रहा है 3 लाख रुपए का। ठीक है, हम 2 साल तक पैसा दिया, 2 साल तक पैसा दिया, ठीक है, तो 2 साल में कितना पैसा दिया, 3 लाख इंटू 12 इंटू 2 पैसा दिया ना, कितना होता बताओ, तो 1 साल का हो गया 36, 72 लाख रुपीज दिया ना। बट पता है 2 साल के बाद मेरा लोन कहाँ आके खड़ा हुआ, 2.8 करोड़। हम बोला मेरे से तो स्कैम हो गया बहुत बड़ा। कैसे स्कैम हो गया, हम दिया कितना 72 लाख, बट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इज स्टिल 2.8 करोड़। तो कितने का लोन चुका एक्चुअल में, 20 लाख, दिया कितना। तो ये समझने का इंटरेस्ट, उत्सुकता आ रहा है अंदर से कि क्यों ऐसा हो रहा है, बाकी जो दिया वो ब्याज का दिया, समझा। तो ये जो ईएमआई का जो कैलकुलेशन होता है, ये भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, मेरा आज के दिन पे जो नेटवर्थ है वो 10 करोड़ के आसपास है। अब मैं सोच रहा हूं कि पैसा कहाँ लगाऊं, कोई अपॉर्चुनिटी है तो बताओ, कोई अपॉर्चुनिटी है तो उनके पास, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पैसा लगाए बताओ। शेयर मार्केट में तो ऑलरेडी लगाया हुआ है, और वो सिल्वर हाँ में सिल्वर में तो लगाया हुआ है, सिल्वर, शेयर मार्केट, लैंड इन गिफ्ट सिटी, एक ऑप्शन, एक एक अपॉर्चुनिटी आया। ठीक है, और बताओ। हाँ, पोल्ट्री फार्म, आपको पता है पूरा डायनामिक्स उसका, कितनी मुर्गी से कितना मुर्गी बनेगा, कितना अंडा आएगा, ऐसे होता है ना, ऐसे तो पोल्ट्री फार्म के। और कुछ तुम बताओ, तुम्हारे पास अगर 10 करोड़ होगा तो तुम क्या करेगा, बताएगा थोड़ी, सब प्लान चोरी कर लेगा इसका। तुम बताओ, तुम्हारे पास 10 करोड़ होगा तो तुम क्या करोगी, ऑनलाइन में बताइए। अभी तक खाली 2 ही ऑप्शन आया है, एसआईपी बोल रही है, एसआईपी तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, बताइए मैम। सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे, पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि पैसा आएंगे तो करेंगे क्या उसका, तभी तो पैसा आएगा। बताओ, तुम बोलो, तुम्हारे पास 10 एफडी करेगा क्यों, तुमको तो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है, वो बोल रहे हैं तुमको पढ़ना बहुत जरूरी है सीएम वन। देखो, आज एक लड़का बोला है, देखो मैं एग्जांपल लूंगा, तुम बुरा मत माना, ठीक है। आज एक लड़का बोला है कि सर मेरे पास 10 करोड़ होगा तो मैं एफडी करूंगा, मैं पूछा क्यों, तो वो बोल रहा है इसमें रिस्क नहीं है। वो लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, बट हम लोग आने वाला 10 दिन में उसका माइंड को पूरा वॉश करके जाएंगे। ठीक है, तुम बताओ, तुम्हारे पास 10 करोड़ होगा तो तुम क्या करेगा, बिजनेस क्या चीज का, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बिजनेस क्या चीज का करेगा। हाँ, कोयले कोयला का बिजनेस करेगा। तो बहुत सारा सबका इन्वेस्टमेंट आइडियाज है, राइट। अब बताओ, तुम लोग सब मेरे लिए समान है, किसका मैं पैसा लगाए ये बताओ, किसका मैं पैसा लगाए, इतना सारा ऑप्शन से किस में पैसा लगाए। आप देखो आ रहे हैं रिस्क रिटर्न, तो ये होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये हम लोग सीखते हैं सीएम। इट्स अप टू यू वेदर यू आर सीइंग दिस एज अ सम और अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है ना, आगे से कभी भी बात होगा ना तो उससे पूछना आपका एनपीवी कितना है, वो बोलेगा एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है, आपका पेबैक पीरियड कितना है, आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कितना है, ठीक है, आपका रिटर्न कितना है, सो बेसिकली प्रोजेक्ट का रिस्क लेवल्स कितने हैं, सर्टेनिटी कितना है, तो ये सारा मेजर हम लोग सीखते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल में, कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कैसे किया जाए। सबसे बढ़िया है जुआ खेलो, हाँ जुआ खेलो, एक का डबल, नहीं देखा तुम लोग हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी देखा है, एक का डबल, कौन कौन नहीं देखा फिर हेरा फेरी, तुम नहीं देखा, तुम भी नहीं देखा है, अक्षय कुमार का है, जो लोग नहीं देखा आज घर में जाके मूवी वाला देख के आना। ठीक है, एक का डबल, वो इसको पटाता कैसे पता, बोलता 21 दिन में पैसा डबल, उसमें लगाना चाहिए ना भाई,
तो बोला ही नहीं ये चीज। जुआ में क्या होता है, तुम लगाओ पैसा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, या तो डबल या फिर जीरो, डबल ट्रिपल या फिर जीरो। जो रोले होता है, तुम लोग कभी गया नहीं, हम तो गए कैसीनो, तो मतलब जाना चाहिए दोबारा, समझ में आएगा। पता है द बेस्ट वे टू लर्न प्रोबेबिलिटी इज टू गो टू अ कैसीनो, इज टू प्ले कार्ड्स कभी कभी विद फ्रेंड्स विदाउट मनी। तुम घर में चार दोस्त लोग को बुला लिया और बोला सर बोले हैं, तो ऐसा मत करना, ठीक है? तो बेसिकली तब तुमको समझ में आता है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या एक्चुअली, ठीक है? तो 10 करोड़ है, ठीक है, किसका में पैसा लगा है? ये जो अब जैसे जुआ में क्या है, जुआ में तो रिस्क लेवल बहुत हाई है, जुआ में तो रिस्क लेवल बहुत हाई है ना, तो जुआ में क्या है, 100 का 200 हो जाएगा बेसिकली। चीज समझो, तुम एक बात समझो, थोड़ा हाई लेवल बात बोल रहे। प्रोजेक्ट वो है जिसमें तुम 10 क्या 100 करोड़ भी लगा पाओ, समझो। जुआ एक ऐसा चीज है ना जिसमें तुम 100 रुपया लगा, लॉटरी। तुम्हारे बिल्डिंग में एक अंकल दीदी, दीदी तो नहीं, भैया होंगे पक्का से ओल्ड टाइप में, जो अभी भी लॉटरी डेली का। लॉटरी में क्या होता है, तुम डेली 100 100 रुपए का टिकट ले रहे हो, तुम डेली 100 100 रुपए का टिकट ले रहे कि कभी तो मेरा लॉटरी लगे, कभी तो मेरा लॉटरी लगेगा, ठीक है? तो वहां पर क्या हो रहा है, तुम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा डबल हो रहा है, तो रिटर्न कितना हुआ, 100% का रिटर्न हो गया तुम्हारा वहां, तुम्हारा 100% का रिटर्न हो गया, ठीक है? बट हम एक जेन्युइन प्रोजेक्ट बता रहे हैं, जैसे कि ये बोला सर मैं पैसा म्यूचुअल फंड में डालूंगा, तो म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न आएगा, ठीक है? अब अगर खाली रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो विच वन इज बेटर, लॉटरी? बट क्या तुम लॉटरी में 10 करोड़ लगा पाएगा? हाँ, लॉटरी का रिजल्ट आने से पहले तुम हार्ट अटैक से मर जाएंगे, ठीक है? तो ये समझना पड़ेगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है, कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें आप कितना, तो ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है? आज के दिन पे सबका, मेरा बहुत इच्छा था कि मैं एमबीए करूं, बट आई अल्टीमेटली आई ज्वाइंट एक्चुअली, मेरे को अच्छा लगा कंटेंट एंड मैं पढ़ाने लग गया, ठीक है? तो आज के दिन पे मान लो 5 साल बाद तुमको एमबीए करने जाना है, या फिर 5 साल बाद तुमको एक घर खरीदना है, तो घर का वैल्यूएशन है 1 करोड़। तुम बैंक के पास में गया, बोला बैंक जी मेरे को 5 साल के बाद में 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप बताइए कितना पैसा हर महीना मेरे को देना है? क्या बोला तुम, हम आपको हर महीना ऐसे ऐसे करके पैसा देंगे, ठीक है? 5 साल, 5 साल मान लो 60 मंथ्स हम आपको ऐसे पैसा देंगे, मेरे को यहां पर एक 1 CR का फंड चाहिए, ठीक है? जो गर्ल्स होते हैं, जैसे एक पापा को हमेशा ये लगता है कि मेरी जो डॉटर है उसको शादी बहुत अच्छे से करे, जो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबका सपना होता है, ठीक है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग यही होता है कि उनको पता है नाउ माई डॉटर इज 17, ठीक है, व्हेन शी विल बी 25 आई विल गेट हर मैरिड, ठीक है, फिर पहले वो खोज लेगी जो भी एक्सेट्रा, ठीक है? 8 साल, तो 8 × 12 96, अब वो प्लानिंग चालू हो रहा है कि 1 करोड़ का खर्चा है तो मैं अभी से थोड़ा थोड़ा करके सेट असाइड करता हूँ, ये एनविटी है, ठीक है ना? दिस इज ये एनविटी, ये भी हम लोग सीखते हैं। या फिर ऐसा सोचो, एक रिटायर्ड आदमी है जो भी 60 ईयर्स का है, ठीक है, उसको लाइफ टाइम अब कुछ एक पैसा चाहिए, जो पेंशन जो होता है, जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो लोग को हर महीना कुछ एक अमाउंट मिलता है, ठीक है? उसमें क्या होता है बेसिकली, आप क्या करते हो उसमें, आप हर महीना कुछ, आपको जो कंपनी है वो देगा, क्यों देगा, आपने अपना लाइफ टाइम का पूरा सेविंग मान लो 2 करोड़ आपने एक पेंशन पेंशन कंपनी को दे दिया, ठीक है? एंड अब आपको हर महीना वो कंपनी बोला जब तक सर आप जीवित रहेंगे तब तक हम आपको हर महीना 3 लाख रुपए करके देंगे, आप जब तक सरवाइव करेंगे हम आपको हर महीना 3 लाख रुपए देंगे। अब इसमें दो सिनेरियो पॉसिबल है, या तो वो आदमी 2 महीना बाद मर जाएगा, या फिर वो 30 साल बाद मरेगा, तो उसको नुकसान किसको है, कौन सा केस में नुकसान है पेंशन कंपनी को बताओ? जब वो ज्यादा जिएगा, तो यहां पर मोर्टैलिटी का एस्टिमेशन आता है जो पेंशन कंपनी करता है। मोर्टैलिटी का एस्टिमेशन करना पड़ेगा ना भाई इसको, कि भाई ये कितना जिएगा, तो जीने का मरने का प्रोबेबिलिटी से चालू होता है तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी का, जो इसी में है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैसे एक इंसान का जीने मरने का प्रोबेबिलिटी निकालता है, कैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम निकलता है, कैसे रिजर्व सेट असाइड होता है, ये सारा चीज हम लोग करते हैं। जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग सीएमएन में क्या पढ़ते हैं, ठीक है?
अब जैसे मान लो इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलता है सर 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का प्रीमियम है 10,000 रुपया, माने आप हर साल मेरे को 10,000 रुपया दीजिए। इज दिस फाइन कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है? ठीक है हाँ। तो 1 करोड़ रुपया का आप जब मरेंगे मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, ठीक है? आप जब आपको तो नहीं दूंगा, अब तो नहीं रहेंगे, आपके डिपेंडेंट्स को दूंगा, नॉमिनी को दूंगा। तो 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम बन रहा है 10,000 रुपया, ठीक है? क्यों बन रहा था, कभी सोचा है कैसे बन रहा है 10,000 रुपए का प्रीमियम? बताओ तुम बताओ क्यों बन रहा है 10,000 का प्रीमियम? एक चीज सोचो, मेरे को आंसर चाहिए चैट बॉक्स में, ठीक है? 1 करोड़, 1 करोड़ आप जब मरेंगे तो आपके डिपेंडेंट्स को कंपनी 1 करोड़ रुपए देगा, बट आपसे प्रीमियम खाली 10,000 रुपए ले रहे हर साल, कैसे पॉसिबल है ये? बोलो क्या कर। अब जैसे सोचो एक चीज, कोई 20 साल का लड़का ले रहे, ठीक है? वो फॉर एग्जाम्पल बता रहे, कभी ना कभी तो मरेगा, कभी ना कभी तो मरेगा। जैसे 10,000 छोड़ो, थोड़ा बढ़ा देते इसको, ठीक है 20,000 कर देते, ठीक है? वो कभी ना कभी तो मरेगा, मान लेते हैं वो मरता है 60 पे, तो 40 साल 20,000 रुपये करके कितना होता है? 8 लाख होता है। थोड़ा बहुत डबल ट्रिपल कर लो यार, बट कंपनी क्या बोल रहा है, आप जब मरेंगे तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। यहां पर वो लोग एस्टिमेट करते हैं जीने मरने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है? यहां पर वो लोग ये देखता है कि सामने वाला कब मरेगा, ठीक है? एक और इसमें अगर, ये होता है होल लाइफ एश्योरेंस, होल लाइफ एश्योरेंस माने आप जब मरेंगे, आप जब मरेंगे, जब भी आप मरेंगे बेसिकली, तब कंपनी आपके डिपेंडेंट्स को पैसा देगा। एक और होता है टर्म इंश्योरेंस, फॉर एग्जाम्पल आप 20 साल के हो, 60 तक का आपका कवरेज है, माने आने वाला 40 साल के अंदर अगर आप मरेंगे तो कंपनी आपके डिपेंडेंट्स को पैसा देगा, वरना नहीं देगा। माने योर लाइफ इज एश्योर्ड फॉर अ लाइक फॉर द 40 ईयर्स, क्योंकि उसको ठीक पता है कि सब लोग इस 40 साल के पीरियड में नहीं मरेंगे, तो वहां पर एस्टिमेशन आता है। अब इसमें क्या होगा, मैंने सोचा था आप मार्केट में गए चप्पल लेने, ठीक है? मार्केट में गए, सरोजनी में गए चप्पल लेने, आप बोले मम्मी दो 1,000 रुपया, तो मम्मी 1,000 रुपया दे दी। अब चप्पल आया 800 का, तो बाकी 200 क्या मम्मी तक जाएगा? तो अरे वो तो छोड़ो, होता लगा तो क्या। बेसिकली बोलने का मतलब ये, आपका एक एस्टिमेट होता है, वैसे ही कंपनी भी एस्टिमेट करता है कि कितने लोग मरेंगे कितने लोग जिएंगे, ठीक है? और कंपनी का एस्टिमेट में अगर गलती होगा तो फिर कंपनी को नुकसान होगा। कंपनी एस्टिमेट किया कि इस साल 10 लोग मरेंगे, मर गए 12, तो 2 करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, दैट इज अ स्ट्रेन ऑन द कंपनी एसेट्स, कंपनी कैश फ्लो। 2 करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना भाई, तो एक स्ट्रेन होगा कंपनी के पॉकेट से। तो ये सारा एस्टिमेशन हम लोग सीखते हैं, ठीक है? हम लोग ये देखते हैं कि कितना प्रीमियम चार्ज करने से कंपनी को, कंपनी के एसेट पे 10% का फायदा होगा, कंपनी को कंपनी के इन्वेस्टमेंट पे 20% का फायदा होगा, दैट इज प्रॉफिट टेस्टिंग। बहुत सारे पॉलिसी ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट मतलब आप भी इंक्लूडेड है, आपके फैमिली मेंबर्स भी इस पॉलिसी में इंक्लूडेड है। बहुत सारे पॉलिसी जॉइंट होते हैं, तो उसको जॉइंट लाइफ बोलते हैं। लड़का लोग के संग क्या होता है, तुम जब कॉलेज में जाएगा तुमको 4-5 लड़की पसंद आएगी एक साथ, एक लड़की पसंद नहीं आती भाई, मेरे संग तो हुआ है। हम है बॉयज स्कूल का, ठीक है? 12th तक हम कभी जीवन में लड़की देखा ही नहीं, ठीक है? कोचिंग में भी सर पीछे बैठाते थे, ठीक है? हम जब कॉलेज में गए, बोला कॉलेज में मेरा बॉयज था, ठीक है? मॉर्निंग कॉलेज था 6 से 6 से, हाँ बॉयज कॉलेज होता है, होता है यस। मैंने हम लोग का जो डिपार्टमेंट था वो बॉयज था, मतलब मॉर्निंग कॉलेज था 6 से 10, ऐसा मानना है हमारे कॉलेज का कि गर्ल्स कांट वेक अप इन द मॉर्निंग, तो वो लोग फिर गर्ल्स का इवनिंग बैच चलाते हैं। ऐसे ऑप्शन था मैं बस कोएड में जाने का, DU आने का, लेकिन मैं बोला ठीक है मॉर्निंग में, ठीक है करियर बनाना था, ठीक है। तो हमको एक संग 4-5 लड़की, हम जिसको देखे वो भी सुंदर लगे, कभी आज तक लड़की से बात भी नहीं किया, हाथ मिलाना तो दूर का बात है, ठीक है? तो वैसे ही, बट मैं क्या था, मैं फोकस था एकदम, मैं अरे मतलब
नहीं, करियर पे बहुत, एक करियर पे बहुत फोकस था, वैसे इंसान के लाइफ पे बहुत सारा रिस्क हो सकता है। रिस्क जैसे कि, जैसे मान लो तुम अभी काम कर रहे हो, तुम अभी काम कर रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग समवेयर, तो क्या क्या टाइप का एक्टिविटीज हो सकता है। तुम या तो, तुम्हारा उम्र हो गया, अब तुम 60 साल का हो गया, तो तुम एज रिटायर कर सकता है, 60 साल हो गया ना, और कितना काम करेगा, नॉर्मल रिटायरमेंट एज इज 60। तुम्हारा हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो तुम पहले ही रिटायर हो गया, इल हेल्थ रिटायरमेंट हो गया तुम्हारा, ठीक है। या फिर मान लो तुम मर गया, ठीक है, या फिर मान लो तुम कंपनी छोड़ दिया, ठीक है, तो ये सब भी हो गया वर्किंग लोगों के लिए। अब एक चीज सोचो, तुम अभी हेल्दी है, थोड़ा बहुत हल्का तुमको सर्दी जुकाम हुआ, मैंने ऐसा टाइप का चीज हुआ जिसे तुम रिकवर कर सकता है, तो बेसिकली वो हो गया सिक्स स्टेट। तुम हेल्दी से सिक हो सकते हैं, तुम सिक से हेल्दी हो सकते हैं, ठीक है। तुम फैक्ट्री में काम कर रहा था, ठीक है, या फिर मान लो ऐसा कुछ सोचो, तुम रास्ते से जा रहा था, तुम भेल पूड़ी खा रहा था, और एक बस आया, ठीक है, तुम मरा नहीं, सर तुम मत बोलिए सर, हमको अपने पे ऐसे पर्सनल लग रहा है, नहीं, कोई सोचो, कोई सोचो, ठीक है, उसका पैर गया, फिर उसका हाथ गया, यानी परमानेंट टाइप का डिसेबिलिटी हो गया जिससे वो रिकवर नहीं कर सकता है। सर्दी जुकाम तो क्या, दवाई लेगा ठीक हो जाएगा, काढ़ा पिएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, तो परमानेंट डिसेबिलिटी इज ऑल्सो अ स्टेट, ठीक है। या फिर मान लो बस ऐसा आ रहा था, एकदम गया ऊपर, ठीक है, देखो इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना दोनों को ऊपर ही है, ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट है, तो यही बोलते हैं, ठीक है, नीचे आता है बीच में, लेकिन जाना ऊपर ही है। तो बेसिकली एक हो सकता है परमानेंट डिसेबिलिटी, या फिर डेथ हो गया, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, तुम पे बहुत सारा डेक्रीमेंट्स एक्ट कर सकता है, दैट कैन बी द फोर्स ऑफ सिकनेस हो सकता है, फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी हो सकता है, लेकिन तुमको सबसे बचना पड़ेगा, तभी तुम क्या रहेगा, हेल्दी। तुम जब सबसे बचेगा तभी तुम हेल्दी रहेगा। तो ये भी कंपीटिंग रिस्क, इस टॉपिक का नाम है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, कंपीटिंग रिस्क। कंपीटिंग रिस्क का मतलब क्या है, कंपीटिंग रिस्क का मतलब है कि भाई तुम्हारे पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट्स एक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे, मतलब तुमको कोई भी पसंद आ सकता है भाई तुमको, लेकिन अगर अपना बचना है तो तुमको सारा चीज को, डिस्ट्रक्शन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपीटिंग रिस्क का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जब मान लो मेरे को प्रीमियम डिसाइड करना है, तो मैं पॉलिसी में डाला कि भाई अगर तुम्हारा शादी हुआ तो तुमको इतना रुपया मिलेगा, अगर तुम मर गया तो तुमको इतना रुपया मिलेगा, अगर तुम विड्रॉ कर लिया तो तुमको इतना रुपया मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके बहुत सारा मैंने किया, तो ये सारे का तो मेरे को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इंसान पे तो डेथ वाला भी एक्ट कर सकता है, सिकनेस वाला भी, ऐसा थोड़ी है कि एक साल खाली डेथ एक्ट करेगा, फिर अगला साल खाली सिकनेस एक्ट करेगा, फिर इस साल आपका शादी का जोग है फिर है ही नहीं, तो इस साल खाली शादी, वैसा नहीं होता है ना, जैसे दिखाता नहीं आजकल एक लोग, तुम इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करेगा ना, तो एस्ट्रो टॉक वाला आता है एक लोग, उसमें एक जो तो अभी इतना फनी एड बनाया है, वो लोग बोल रहा है कि कुछ मत रिश्ते की बात करना, सामने से रिश्ता आएगा, सुना है लेडीज से बोला, सामने से रिश्ता आएगा मई 2024 में, ठीक है। तो वही है, तो ये जो बेसिकली है पूरा, जितना भी लाइफ आज जो इंश्योरेंस कंपनी के बारे में अगर सोचेगा तुम लोग, एक इंश्योरेंस कंपनी का कैश फ्लो पहले सोचो, इंश्योरेंस कंपनी का इनफ्लो क्या है पहले तो ये बताओ, प्रीमियम है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का आउटफ्लो क्या है, जो डेथ बेनिफिट देंगे, जो भी टाइप का क्लेम्स वगैरह देंगे, राइट, कितना साल कंपनी को प्रीमियम आएगा, क्या ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है, कितना साल कंपनी को प्रीमियम आएगा ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है। मैं बोल रहा हूं जब तक मैं जिंदा रहूंगा तभी तक मैं प्रीमियम दूंगा, कितना साल एक कंपनी को प्रीमियम आएगा ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, तो कंपनी का इनफ्लो भी सर्टेन नहीं है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, मैं छोड़, मैं क्यों बोलूं, कोई और पॉलिसी होल्डर, ठीक है, पॉलिसी होल्डर,
तो पॉलिसी होल्डर जब मरेगा तब कंपनी को पैसा देना है। अब पॉलिसी होल्डर कब मरेगा बताओ? एक तो इनफ्लो जो है वो भी क्या है, अनसर्टेन है, और एक जो आउटफ्लो जो है वो भी क्या है, अनसर्टेन है, राइट? तो सोचो फिर भी कंपनी इतना पैसा कैसे बना रहा है। वी आर मैनेजिंग रिस्क, वी आर नॉट इन द सेलिंग डिपार्टमेंट। हम लोग प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं कि हमेशा फायदा कंपनी का ही होगा, ठीक है? वी मैनेज रिस्क का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ना इनफ्लो सर्टेन है ना आउटफ्लो सर्टेन है, फिर भी कंपनी इतना पैसा बना के निकलता है। हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि आदमी कब मरेगा, आदमी कितना जिएगा, कितना में, पता है ऐसा ऐसा टाइप का एनालिसिस होता है आज के दिन पे। हम लोग जहां पर काम करते हैं, जैसे जोमैटो है, ठीक है ना, जोमैटो कंपनी है, तो जोमैटो कंपनी में ना बहुत सारा स्टेजेस है। पहला स्टेज क्या है कि आपने ऐप खोला, दूसरा है यू हैव टाइप समथिंग, आपने कुछ टाइप किया, तीसरा है कि आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, चौथा है आप उसको कार्ट पे ऐड कर रहे हो, आप प्रोसीड कर रहे हो, आप कुछ कूपन देख रहे हो, आप कूपन अप्लाई कर रहे हो, यू आर बेसिकली मेकिंग द बटन क्लिक ऑन पे, देन देयर इज अ लिंक कि आपका पेमेंट हो रहा है, ये सारे स्टेप्स हैं। तो वो लोग का मानना है कि 100 लोग जो ऐप खोल रहे हैं, लास्ट तक 2 ही ऑर्डर कर रहे हैं, फिर 3 ही ऑर्डर, दीज काइंड ऑफ एनालिटिक्स वी आर डूइंग आजकल, ठीक है ना? तो इट्स ऑल फ्यूचर, द फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन। आप देखो ये जो लेन जो है, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, राइट? तो पहले क्या था, एक गली में 2 रेस्टोरेंट, अभी क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना? तो रिस्क हर बिजनेस में बढ़ रहा है, तो मॉडलिंग करके चलना पड़ेगा ना। आज मैं यहां पर आया, मेरे कुछ एस्टिमेट है दिमाग में, कुछ नंबर्स है ना। We are very good with numbers. We are very good with these kinds of numbers. कि भाई मेरे को पता है कि कितना numbers है मेरे दिमाग में, वो चीज है मॉडलिंग। एक मॉडल क्या बोलता है, बेसिक मॉडल क्या बोलता है कि मेरा फिक्स कॉस्ट इतना है, मेरा फिक्स कॉस्ट है मान लो 20 लाख रुपए, ठीक है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है पर स्टूडेंट 2000 रुपीज, उसके हिसाब से मैं वो करूंगा, एंड देन आई विल अराइव एट एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे तो मेरा ब्रेक इवन होगा। इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना बेसिक, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके बाद पर स्टूडेंट आई एम गेटिंग इतना 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 इतना, बट अगेन देयर इज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन कैसा, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बच्चे तो नहीं बैठा सकता ना यहाँ पर, सो दैट इज हाउ थिंग्स, वो मॉडलिंग का बात आता है, वो आप एक्सेल पे करते हो, वो आप एक्सेल पे करते हो, वो आपको बेसिकली आ जाएगा, ठीक है? हम लोग ये समझेंगे कि अगर आदमी इतना साल जीता है तो कितना प्रॉफिट होगा। अब 2 टाइप का प्रोडक्ट कंपनी सेल कर रहा है, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी 2 टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहा है। कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहा है देखो, देखो बैंक में जब आप पैसा रखते हो ना, बैंक में पैसा रखने का मतलब क्या है कि आपको पैसा मिलेगा, एकदम श्योर है। आईसीआईसी बैंक में पैसा रखा, माय फेवरेट बैंक इज आईसीआईसी बैंक, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग में क्या फर्क है, बैंक में क्या है देखो और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी में क्या है। अब जैसे एक तो आपको मैंने बताया कि आप जब मरोगे तो आपको पैसा मिलेगा, लाइक आप प्रीमियम्स पे कर रहे हो, जब आप मरोगे तो कंपनी आपको पे करेगा 1 करोड़, ठीक है ना? ये आपका हो गया जब कंपनी बेट किस पे कर रहा है कि कितने लोग मरेंगे, ठीक है ना? ये मोर्टैलिटी प्रोडक्ट हो गया, मरने पे पैसा है। एक प्रोडक्ट क्या होता है, कंपनी पैसा ले लिया यहां पर 1 करोड़, ठीक है? अब कंपनी बोल रहा है हम आपको एक एन्युटी देंगे। एन्युटी इज अ रेगुलर सीरीज ऑफ कैश फ्लोस। कंपनी क्या बोल रहा है, जितना साल आप जिंदा रहेंगे मैं आपको उतना पेमेंट दूंगा, ठीक है? अब तुम 2 इंस्टॉलमेंट लेके भी मर सकता है, तुम 6 इंस्टॉलमेंट 7 इंस्टॉलमेंट लेके भी मर सकता है, और तुम 200 इंस्टॉलमेंट लेके भी मर सकता है, ठीक है? तो कंपनी को नुकसान किसमें है, कंपनी को नुकसान किसमें बोलो? यहां वाला में नुकसान है। इसका मतलब क्या है, तुम सोचा था कि वो 5 साल जिएगा, बट वो जी गया कितना, 10 साल ज्यादा जी गया ना। तो एन्युटी प्रोडक्ट में ज्यादा जीने से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एन्युटी प्रोडक्ट में ज्यादा जीने से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट मोर्टैलिटी प्रोडक्ट में तो फिर प्रॉफिट हो जाएगा ना।
क्योंकि जो आदमी हम सोचे थे 5 साल पे मरेगा, अब वो कब मर रहा है? 10 साल पे। जो आदमी हम सोचे थे 5 साल में मरेगा, वो कब मर रहा है? 10 साल पे मर रहा है। तो मेरा जो पेमेंट है वो डेफर हो गया, तो 5 साल मैं उस पैसा पे क्या कमाऊंगा? ब्याज, समझा? तो इस तरीके से कंपनी अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। हमको देख लो, हम कभी सेम मंथ थोड़ी पढ़ाते, 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाते एक्चुरीज में, ठीक है? उसके बाद अगर एक्चुरीज कोर्स नहीं चला तो सीए भी पढ़ाते हैं, एफआरएम भी पढ़ाते हैं, सीए भी पढ़ाते हैं, डाइवर्सिफाई कर रखे अपने आप को। तू अपना जब पोर्टफोलियो बनाएगा तो बोलेगा ना उसमें थोड़ा बहुत एफडी रखना है, आगे से घर में कभी बात हो तो बोलना हाँ हम लोग को अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, पापा बताइए, हमको देखना पड़ेगा आज से, आज से हम मैनेज करेंगे आपका पोर्टफोलियो, ठीक है? बोलना सीख क्या है, तो 5% 10% तक एफडी, थोड़ा बहुत लिक्विड कैश, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड, थोड़ा डायरेक्ट इक्विटी, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा सिल्वर, वेल मैनेज पोर्टफोलियो होना चाहिए, रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत। हम लोग का मैं कहना, हम लोग बहुत ज्यादा रियल एस्टेट पे हो जाते हैं। ये सारा चीज जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, तुम सीएमएस से बहुत अच्छा सीख सकते हैं। बट क्या होगा, जब तुम घर जाएगा ना तो थोड़ा बैंक जाओ, बैंक जा रहे ना खाली पासबुक अपडेट करा के आ जाओ। कौन कौन पासबुक? अब अच्छा, अब तो ये सब नहीं होता, हमारे टाइम पे होता था। जब देखो भैया क्या थे ना, जब मान लो गुस्सा आया मेरे पे, जब पासबुक पर अपडेट करा के आ जा, 1 घंटा काम में भेज दी, जब पासबुक अपडेट करा गया, तो वो सब होता है, ठीक है? सो फ्रॉम टिप टू टो, मतलब पूरा इंश्योरेंस कंपनी का जो पूरा फंक्शनिंग है और बैंकिंग का जो, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है? एक आप कैश फ्लो समझो, ठीक है? कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो क्या बोलता है? ये है टाइमलाइन, ठीक है? टाइमलाइन को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, कब कौन सा पैसा कैसे आ रहा है, कभी भी कुछ भी हो तो हम लोग को टाइमलाइन बनाना बहुत जरूरी है। CM1 का पूरा पेपर आपको टाइमलाइन से ही करना है, ये सबसे, इसमें नीचे में हम लोग डालेंगे टाइम और ऊपर में हम लोग डालेंगे सारा कैश फ्लो, ठीक है? तो एक बेसिक समझो, मान लो मैंने बोला था ना अनिल और मुकेश, पैसा किसको देंगे? मुकेश। तो मुकेश की कंपनी का आया कि जो मेरे को पैसा देगा, मेरे को 5 साल के लिए पैसा चाहिए, ठीक है? जो मेरे को पैसा देगा उसको मैं साल का 8% ब्याज दूंगा, मतलब 8% आई विल पे इंटरेस्ट पर एनम, और 5 साल के बाद में मैं उसका पैसा वापस कर दूंगा। ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? इसको बोलते हैं बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है, मैं यहां पर मान लो मुकेश को दिया 10,000, ठीक है? तो मेरा आउटफ्लो हो गया टाइम 0 पे, 5 साल का बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टाइम 1 पे क्या होगा, मुकेश मेरे को कितना देगा? 10,000 का 8% इज हाउ मच? 800। तो ये +800 होगा ना -800 होगा? +800 होगा। फिर टाइम 2 पे मुकेश मेरे को कितना देगा? टाइम 3 पे मुकेश मेरे को कितना देगा? टाइम 4 पे मुकेश मेरे को कितना देगा? टाइम 5 पे मुकेश मेरे को देगा 10,800। इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्ट्रक्चर। प्लस वाला है पॉजिटिव कैश फ्लो, माइनस वाला है नेगेटिव कैश फ्लो, समझा? ये एक बेसिक अग्रीमेंट हो गया। अब एक बात समझो, ठीक है? सर्टेन कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? सर्टेन कैश फ्लो का मतलब होता है कि ये सारा जो पेमेंट्स है ना, ये सर्टेन है, आएगा ही आएगा। बट जब हम लोग सेकेंड पार्ट में जब हम लोग मूव करते हैं, बट जब हम लोग सेकेंड पार्ट में जब हम लोग मूव करेंगे, कंटिंजेंसीज वाला पार्ट में मूव करेंगे, उसमें सारा कैश फ्लो सर्टेन नहीं होगा। क्योंकि क्यों बोलो तो, इंश्योरेंस कंपनी तो बोल रहे हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो हम आपको पैसा देंगे। एवरीथिंग इज कॉन्टिंजेंट ऑन द इवेंट, एवरीथिंग इज कॉन्टिंजेंट ऑन द इवेंट कि आप मरेंगे या फिर आप जिंदा रहेंगे। जो एन्युइटी प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया उसमें क्या था, आप जिंदा रहोगे तो कंपनी आपको पैसा देगा, समझो? मोर्टैलिटी प्रोडक्ट में क्या है, आप मरेंगे तो कंपनी आपके डिपेंडेंट्स को पैसा देगा। तो वहां पर एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब क्या है कि भाई ये कैश फ्लो होगा इसका 70% चांस है, ये कैश फ्लो होगा इसका 80% चांस है, ये कैश फ्लो होगा इसका 20% चांस है, ठीक है? तो ये जो बेसिक जो बॉन्ड का जो स्ट्रक्चरिंग है, अब देखो ये इसको हम लोग अब देखो बॉन्ड में क्या, बॉन्ड मार्केट समझ लो आज के दिन पे जो इतना शेयर मार्केट जो सुनते हो ना, शेयर मार्केट में 10% पैसा है, बाकी 90% जो पैसा है वो बॉन्ड मार्केट में है।
मैंने वो लड़का सही बोला कि मैं एफडी कराऊंगा, क्योंकि वो घर पे ये चीज सुना है, मेरे घर पे भी यही है, मैं भी पहले यही करता था। डर लगता है, एज इन्वेस्टर्स वी आर वेरी रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स का मतलब क्या है? रिस्क एवर्स का मतलब क्या बताओ? हमको रिस्क से डर लगता है, हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, हमको रिस्क से बहुत डर लगता है यार। हम लोग का फटता है भाई, हम लोग के पास नहीं है जिगरा, ठीक है? तो एफडी में पैसा लगाएंगे ना, तो 90% ऑफ द पैसा है बॉन्ड मार्केट में, ठीक है? तो बॉन्ड वैल्यूएशंस पूरा हम लोग का CM1 में जो हम लोग सीखेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशंस में क्या करेंगे। अब देखो, ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया। मुकेश बोला कि हम 8% पे, मुकेश क्या बोला कि हम 8% पे ब्याज देगा सबको, राइट? अब हो सकता है कि ये जो है ना, मुकेश एक चीज चेंज कर दिया उसने। मुकेश बोल रहा है कि हर साल हम 8% देगा ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू, बॉन्ड का एक फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू का मतलब जैसे 100 रुपए का जो नोट है, जैसे ये एक चीज मैं सबको दिखाता हूँ, ठीक है, कैमरा में भी दिखाता हूँ। ये मान लो ज्यादा पैसा है नहीं, बहुत पैसा खर्चा हो गया मेरा, 20 रुपए का नोट, ठीक है? ये जो 20 रुपए का, मान लो ये जो नोट है सबको दिख रहा है, ये 20 रुपए का नोट, तो इसका फेस वैल्यू कितना है? 20 रुपए। बट क्या इसका वैल्यू एक्चुअल में 20 रुपया है? मतलब ये जिस मटेरियल से बना है, नहीं है ना? दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दिस इज द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब बॉन्ड का भी फेस वैल्यू होता है, बट बॉन्ड का फेस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मार्केट वैल्यू। बॉन्ड किस चीज पे ट्रेड हो, किस दाम पे ट्रेड हो रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ये बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक है ना? तो अब जैसे मान लो मुकेश क्या बोल रहा है कि आज आप मेरे को पैसा 900 रुपया ही दो, आज आप मेरे को पैसा 900 रुपया ही दो, मेरे बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है वो 1,000 रहेगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 9,000, 9,000, आई एम रियली सॉरी। आज आप मेरे को 9,000 रुपया ही दो, ठीक है, बट फेस वैल्यू बॉन्ड में जो लिखा है कि जिसके पास ये बॉन्ड होगा उसको 10,000 के हिसाब से 8% ब्याज मिलेगा, और 5 साल के बाद में पूरा प्रिंसिपल पैसा मिलेगा, विच इज 10,000। बट आज के दिन पे मार्केट में ये जो बॉन्ड ट्रेड हो रहा है, 10% डिस्काउंट भी ट्रेड हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि मार्केट में जो ब्याज का रेट चल रहा है ना, वो थोड़ा ज्यादा चल रहा है। तुम चीज समझ, तुम पैसा कितना लगाया, अब पैसा कितना लगाया, 9,000, 10,000 का 8% कितना होता है, 800। पैसा थोड़ा कम लगाया तो रिटर्न ज्यादा। नहीं समझा? हम समझाते हैं, सिंपल है, कैलकुलेटर निकालो। 800 बाय 10,000 इज व्हाट, 8%। 9,000, 800 बाय 9,000 कितना होगा? अरे सिंपल सा चीज सोचो ना, सिर्फ इतना बता दो, 8% से ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा ना। व्हेन यू डू 800 बाय 9,000, यू आर अर्निंग मोर और लेस? मोर, ठीक है? तो ये ऐसे बहुत सारे रियलिस्टिक डायनामिक्स होते हैं। अब जैसे क्या होता है, ये तो ठीक है, तुमको पता है, तुम लोग को लगता है कि सर इतना पैसा ले लेते हैं, सर बहुत कमा रहे हैं, सर का फीस 31,800 है, ठीक है? अब हम तुमको आज एक्चुअल में बताते हैं कि 31,800 क्यों है फीस, और सर का क्यों 800 बचता है, सिर्फ 800 बचता है सर के पास में। सच बोल रहे, मानेगा तुमने मेरा बात, ठीक है? इस पे सबसे पहले तो लगता है GST 18%, ये इंक्लूडेड है, ठीक है? तो हम लोग GST पे करते हैं, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जितना भी हम लोग का सेल होगा उस पे हम लोग को GST पे करना है सरकार को 18% का, ठीक है? तो तुम ये समझ लो मोटा मोटी 5,500 तो हमारा GST बनता है, ठीक है? फिर जो आता है उससे हम लोग सारा एक्सपेंसेस पे करते हैं, और फिर लास्ट में जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट बनता है, ठीक है? फिर ये जो प्रॉफिट बनता है इस पे मैं पे करता हूँ इनकम टैक्स। जैसे एक सिंपल सा समझाऊं तो तुम लोग को, 31,800 है, ठीक है, इस पे 5,500 रुपए का क्या पे हो गया, GST, जो भी मतलब समझ लो समवेयर अराउंड 26,000, फिर समझ लो 16,000 का और खर्चा समझ लो, ठीक है? तो 10,000 रुपीज आएगा। मैं अपर टैक्स ब्रैकेट में फॉलो करता हूँ, रफली 30% का टैक्स आएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ मैंने पे किया, दिस इज GST,
ये एक टाइप का टैक्स हो गया, और यहां मैंने पे किया आपका इनकम टैक्स, ठीक है ना। इनकम पे जो टैक्स लगता है वो होता है इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड जो है, जो मुकेश जो मेरे को पैसा दे रहा है 800 800 800, वो क्या है बताओ, चैट बॉक्स में बताइए। मुकेश जो पैसा दे रहा है 800 800 800, वो क्या है? मुकेश जो पैसा दे रहा है 800 800 800, वो क्या है? पहले मेरे को बताओ। इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या है? मेरा इनकम है। इंटरेस्ट तो नाम हो गया, कैटेगरी हो गया, है क्या मेरा इनकम? तो ये इनकम पे क्या लगेगा बताओ ना, इनकम पे क्या लगता है? टैक्स लगता है क्या इनकम पे? कितना 30% टैक्स लग रहा है। तो ये इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो क्या है? इनकम टैक्स। तो देख के लग रहा है, देख के लग रहा है कि 8% कमाए हैं, बट इस पे सरकार बोलेगा दे, समझा, इनकम पे दे टैक्स, ठीक है। ये हो गया इनकम पे। फिर उसके बाद एक और मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे घर, मान लो ओन्ड है, ठीक है, ओन्ड घर है, तुमने एक घर खरीदा, तुम घर खरीदा 2 करोड़ पे, ठीक है, तुम सेल कर दिया उसको 10 साल के बाद में 4 करोड़ पे, ठीक है, तो तुम्हारा गेन कितना आया? 2 करोड़ का गेन आ गया। ये जो घर है ना, ये तुम्हारा कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है तुम्हारा, ठीक है। तो कैपिटल एसेट का सेल पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है। तो बॉन्ड में भी एक जो सेल हो रहा है और एक परचेज हो रहा है। मुकेश को मैंने दिया कितना था? 9,000 दिया, बट मुकेश ने मेरे को वापस कितना किया? 800 800 800, तो इनकम हो गया। देखो मेरे बात सुनो, दोनों से मत। जैसे मान लो कैपिटल एसेट जो घर है, तुम घर भाड़ा पे लगाया तो रेंट आ रहा है, रेंट तुम्हारा इनकम हुआ, रेंट तुम्हारा इनकम हुआ, बट घर जब बेचे रहा है तो वो तो सेल ऑफ कैपिटल एसेट हुआ। अब ये जो 10,000, यहां पर इसका ब्रेकअप क्या है? तुम दे, तेरा ब्रेकअप हुआ है ना, तुम बोला नहीं हुआ कभी ब्रेकअप, कभी नहीं हुआ ब्रेकअप, प्यार हुआ कभी? हाँ हुआ है, सच्चा क्यों बता ऐसे? सच्चा बढ़िया, अच्छा है, सच्चा प्यार ही होना चाहिए, ठीक है। चलो मेरा तो हुआ एक दो तो बार ब्रेकअप, तो चलो मैं दे देता हूँ 800 प्लस 10,000, ठीक है। तो ये जो बेसिकली देखो 9,000 है, 10,000 है, तो कितने का गैप हो गया? ये जो 1,000 जो बॉन्ड के सेल, मतलब रिडेम्पशन मतलब सेल, अब पैसा वापस मिल रहा है ना, तो सेल माना जाएगा। तो ये 1,000 रुपया जो है, ये क्या है? कैपिटल गेन। अब इस पे बोलेगा दोबारा दे। अरे कोई भी टाइप का तुम्हारा इनकम या फिर कैपिटल गेन होगा, उसमें तुमको सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो, नेट ऑफ टैक्स आपको कितना फायदा हो रहा है। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन है ये भी हम लोग सीखते हैं, समझा। उसके बाद में आज के दिन पे एक बात सोचो, 1 लाख रुपया कमाने वाला 1 लाख रुपए का फोन यूज कर रहा है, ये कैसे? ईएमआई। So everything is on finance, right? Everything is on loan, debt, ठीक है। तो लोन का पूरा स्केड्यूलिंग हम लोग सीखते, सारा जितना भी सारा लोन का, जितना भी सब स्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग होता है, कितना ईएमआई बन रहा है, कितना इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है ना, वो सारा पूरा आप लोग को एक्सेल पे भी बनाना आ जाएगा और आप लोग को यहां पर भी बनाना आ जाएगा, मतलब ऐसे पेपर में भी बनाना आ जाएगा, एवरीथिंग वी लर्न, ठीक है। एक बेसिक जो होता है, सब लोग कैलकुलेटर लाए, कौन सा कैलकुलेटर यूज करना है आप लोग को पता है क्या? FX82ES+, सब लोग लाए क्या कैलकुलेटर?
नहीं खरीदे तो खरीद लेना, ठीक है? ठीक है। सो बेसिकली देखो, लोन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो 1000 का लोन है, ठीक है, 3 इयर्स का लोन है, ठीक है, और आपका जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, बेसिकली एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, ये है आपका 381 का, 381 का, ओ सॉरी, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है, जो आपका एनुअल जो आपका इंस्टॉलमेंट बन रहा है वो आपका बन रहा है 381.05 का, ठीक है। मैं आपको इसका एक बेसिक फंक्शनिंग समझाता हूँ, ठीक है। देखो, 1000 रुपीज आज आपने लोन ले लिया, ठीक है, एंड मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, 7% का। सब लोग फोन निकालो अपना, जो लोग के पास कैलकुलेटर है कैलकुलेटर निकालो, जो लोग के पास फोन है फोन निकालो, ठीक है। एक बेसिक सा चीज सबको देखेंगे, सबका कितना अंडरस्टैंडिंग बना है फाइनेंस में, ठीक है। देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो समझ रहे हो आप कितना प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं तो पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1000 रुपीज है, 1 साल आपने पैसा यूज किया, बोल के आपको ब्याज देना है, कितना परसेंट देना है, 7%। तो कितना आपका ब्याज बनेगा, 70 रुपीज बनेगा। इसको आप ऐड करो 1000 में, तो कितना आ रहा है आपका, माने 1 साल के बाद में आपका जो लोन हो जाएगा वो 1070 का हो जाएगा। और आपने पे कितना किया ईएमआई आफ्टर 1 ईयर, 381.05 माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। ये सबको समझ में आया कैसे हो रहा है? ये ईएमआई निकालना मैं सिखाऊंगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, बट वो धीरे धीरे करके सीखेंगे हम लोग। आज मैं ऐसे को एक समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि आपने बैंक को बोला कि मेरे को 3 साल का लोन चाहिए, 1000 रुपए का लोन चाहिए, मेरे को कितना ईएमआई पे करना है बताओ एनुअल, तो 381.05 का अमाउंट निकल के आया, ठीक है, एंड 7% का इंटरेस्ट है, तो कितना आ रहा है, 688.95। ये आपका क्या है, लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 1, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इस पे दोबारा से क्या लगेगा, 7% का ब्याज लगेगा, लगाओ, ब्याज कितना आ रहा है बताओ। सब लोग ऑनलाइन में भी रिप्लाई करेंगे फटाफट से, 48.22, ठीक है, तो प्लस करो तो कितना आ रहा है आपका टोटल। ये तो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग था, इस पे इंटरेस्ट ऐड होगा, कितना आ रहा है, 736.7। दोबारा से क्या होगा, मैं ये पे करूंगा 381.05 का, कितना आ रहा है बताइए। हाँ, फिर इस पे क्या लगेगा, 7% का इंटरेस्ट लगेगा, कितना आ रहा है इंटरेस्ट बताइए, 24 पॉइंट, ठीक है, टोटल कितना हो रहा है बताइए, 381 पॉइंट आ रहा है टोटल, माने वो राउंडिंग एरर है। सो अगेन आई विल पे ईएमआई ऑफ, तो मोटा मोटी मेरा लोन स्क्वायर ऑफ हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ या ना? तो मैंने 3 बार कितना पेमेंट किया, 381.05 का। सो टोटल मैंने कितना पेमेंट किया, कैलकुलेट करो, 1143.43 पॉइंट, ठीक है, मैंने 1143 का पेमेंट किया टोटल। मेरा लोन कितने का था, मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कितना किया, ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट। समझा बच्चा? हाँ, अब देखो और एक चीज, धीरे धीरे क्या हुआ, इंटरेस्ट का टाइमलाइन देखो, पहला साल कितना ब्याज पे किया, 70, दूसरा साल कितना ब्याज पे किया, जल्दी बताओ। देखो अभी तो कैलकुलेट किया होगा ना, 48 पॉइंट देखा नहीं क्या, 48.22, और तीसरा साल कितना ब्याज पे किया, हाँ, 24.8, ठीक है। तो धीरे धीरे मैंने क्या देखा, इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये इंटरेस्ट का हो गया,
आइए अब प्रिंसिपल का देखते हैं। जो मैंने ईएमआई पे किया है उसमें पहला जो ईएमआई था, क्या सब लोग कैलकुलेटर ऑन रखना, पहला जो ईएमआई था 381 का, उसमें ब्याज का कितना है? पहला जो मैंने ईएमआई पे किया, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो मैंने पे किया 381.05 का, उसमें ब्याज का कितना है? 70। तो बैलेंस क्या है? एक चीज समझो, जो भी मैंने पेमेंट करते हैं ना इंस्टॉलमेंट का, उसमें दो चीज होता है, एक होता है प्रिंसिपल रीपेमेंट और एक होता है तुम्हारा इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होगा। तो पहला बार जो मैंने पेमेंट किया 381.05 का, इसमें 70 रुपया क्या चीज का है? इंटरेस्ट का है। तो बैलेंस जो गया वो मेरा लोन चुकता करने में गया। तो लोन कितना का चुकता हुआ? ठीक है, 311 का मेरा लोन पे ऑफ हो गया। तो पहला साल कितना का लोन पे ऑफ हुआ? 311 पॉइंट इतना का। दूसरा साल में मैंने पेमेंट किया 381.05 का, उसमें ब्याज का कितना गया? 48 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है बताओ? 332। और तीसरा साल तो बहुत सिंपल है, नहीं, 355 बच रहा था ना, जो सेकेंड ईयर के एंड में बच रहा है यही तो पेमेंट हुआ होगा। जो सेकेंड ईयर के एंड पे बच रहा है पैसा लोन का, वही ना ब्याज के साथ में 3 साल के बाद में पेमेंट किए होंगे। दोबारा बोल रहा हूं, जो 2 साल के एंड पे पैसा बच रहा है वही ना पैसा दिया होगा 3रा साल के एंड पे। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, 2 साल के एंड पे मेरा लोन आउटस्टैंडिंग कितना था? 355। उसमें कुछ ब्याज लगा क्योंकि मैंने 1 साल के लिए वो पैसा यूज किया एंड वो बढ़ के 381 हुआ, वही ना मैंने पेमेंट किया। तो प्रिंसिपल रिपेमेंट कितना है? 355 ना। 355 कैसे आएगा? 381 -24, ठीक है ना। तो 3रा साल में क्या है मेरा? 355। ये मेरा 3रा साल का हुआ, बोलो हाँ कि ना, ये 3रा साल का हुआ मेरा। तो धीरे धीरे करके प्रिंसिपल में क्या हुआ तुम बोलेगा? धीरे धीरे करके प्रिंसिपल में क्या हो रहा है? प्रिंसिपल रिपेड क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके प्रिंसिपल रिपेड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहला साल तुम पे किया 311, दूसरा साल तुम पे किया 332, तीसरा साल तुम पे किया 355। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंटरेस्ट तो कम हो रहा है और प्रिंसिपल रिपेड बढ़ रहा है। इसीलिए जब भी तुम बैंक से लोन लेगा ना, वो ज्यादा पैसा तुमसे शुरू के टाइम पे टानता है क्योंकि उस समय लोन अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो तुम जो भी पेमेंट करता है ना, ऑलमोस्ट 90 to 95% गोज इनटू व्हाट? इंटरेस्ट। इसीलिए तुम देखेगा, तुम पेमेंट तो बहुत कर दिया लेकिन तुम्हारा प्रिंसिपल कम नहीं हुआ। प्रिंसिपल कम होगा कैसे? पहले तो वो ब्याज का माइनस करेगा ना, फिर जो बैलेंस बचेगा वो लोन में एडजस्ट होगा। देखो क्या हुआ इस केस में, एक और केस समझेंगे और फिर हम लोग आज का क्लास को करेंगे एंड, ठीक है। 5,000 का लोन है, ठीक है, 5 साल का लोन है, सब लोग कॉपी में करेंगे, हम लोग पूरा समझेंगे इसको। अगर ये समझ गया ना भाई तो सच बता रहा, मन खुश हो जाएगा, ठीक है। 5 साल का लोन है, ठीक है, हम सच बता रहे, जिसको जिसको पास होना है ना CA1 में, ठीक है, पूरा कोर्स का गाइड दिया, आउटलाइन दिया, ठीक है, जिसको इसको पास होना है ना, सच बता रहे, ये जो अभी हम यहाँ पर है 25-26 तारीख तक है, लगातार क्लास होगा। अगर सारा क्लास कर लिया ना और अगर फेल हो गया, हम लिख के जाएंगे, अगर फेल हो गया तो पैसा वापस, हम बोल रहे, मुंह से बोल रहे, अभी बोल के रिकॉर्डिंग हो रही, जाएगा पैसा वापस, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। वो पहला कोई भी चीज तुम कर भाई, पहला 15 दिन बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद तो हैबिट बन जाएगा भाई। वही तो करना है, हैबिट ही तो बनाना है पढ़ने का, और करना क्या है, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट है ना भाई, इतना इंटरेस्टिंग है तो वो मजा आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देख मैं तेरे को बता रहा हूं, मेरा नवंबर तक में
बार आने का प्लान है, ठीक है। अभी मैं आया हूँ लंबा, मैं सर्टेन कैश फ्लो पूरा बढ़िया से तुम लोग का बेस टोन पूरा सेट करके जाऊंगा, ठीक है। रिपोर्टिंग से पूरा सर्टेन कैश फ्लो कंप्लीट करेगा, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट लोग आएगा दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा, जो रात में इंडस्ट्री एक्सपर्ट क्लास लेगा ऑनलाइन दैट इज एक्स्ट्रा, जो यहाँ फिजिकल क्लास बाकी लोग लेंगे दैट इज एक्स्ट्रा, ठीक है। बात समझ, टर्म स्ट्रक्चर तक का पूरा टोन मैं सेट करके जाऊंगा, ठीक है। मैं आऊंगा 21-22 अक्टूबर के आसपास, ठीक है। फिर पूरा मैं वहां पर रहूंगा, मैं कंटिजेंसीज का पूरा टोन सेट करके जाऊंगा, ठीक है। वही चाहिए भाई, ऑनेस्टली वही चाहिए, बाकी एवरीथिंग इज बोनस, व्हाट एवर यू आर गेटिंग वही चाहिए। मेरा सिर्फ ये 20 क्लास जो मैं कराऊंगा आने वाला, जो भी मैं कराऊंगा, 10 क्लास सर्टेन कैश फ्लोस का और 10 क्लास कंटिजेंसीज का, मेरा ये 20 क्लास तुम कर लिया ना भाई, फिजिकल और लाइव ऑनलाइन लगातार, जो मैंने लाइव बेसिकली रिकॉर्डेड नहीं, लाइव, ठीक है। तुम फेल हो गए ना भाई, तुम जो बोलेगा हम करेगा, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अब तुम जबरदस्ती चाहेगा कि मेरे को पैसा लेने का, तो वो तो अलग बात हो गया, बट फेल नहीं होगा भाई, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी जो इतना कराऊंगा, जब मैं वापस आऊंगा तो सेटिंग टेस्ट को पूरा कंप्लीट करके रखना, फिर जो मैं कराऊंगा वो पूरा कंटिजेंसीज का तुमको एंड तक पूरा हेल्प करेगा, यही चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब ध्यान सुन, 5,000 का लोन है, 5 साल का लोन है, ठीक है। एनुअल इंस्टॉलमेंट तुम्हारा बन रहा है 1318 का, ठीक है। मैं अप्रोक्स फिगर्स में काम करूंगा, ठीक है। 5 साल का लोन है और इंटरेस्ट इज 10% का, कीप इट इजी, इंटरेस्ट इज 10% का, ठीक है यार। रुपया पैसा ना खून में होना चाहिए, रुपया पैसा के बिना फिर तुम क्या धंधा करेगा, क्या तुम बिजनेस करेगा, क्या तुमको तो लोग ऐसे बेवकूफ बना के चला जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन तो दिमाग में होना चाहिए भाई, ठीक है। अब तुम लोग कैलकुलेटर निकालो, ठीक है, और बताओ 5,000 पे पहला साल ब्याज कितना बनेगा। ये मैं अच्छे से करा देता हूँ, ठीक है। देखो ये 5,000 जो है वो क्या है, दिस इज बेसिकली लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम जीरो। जिसको भी नहीं समझ में आया ना, और अगर वो नहीं पूछा तो उसका लॉस है भाई। तुम में से 10 बार पूछेगा हम 10 बार बताएगा, मेरा ड्यूटी है वो, ठीक है। तुमको यही चीज समझना है कि तुमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। बेस सही होना बहुत जरूरी है, इंस्टीट्यूट को बेस पसंद है, ठीक है। तो ये बात है भाई, सच बात है ये, ठीक है। तो 500 इज व्हाट, इंटरेस्ट फॉर ईयर वन, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो ध्यान देना, 1318 का पेमेंट है, 1318 का पेमेंट में दिस इज व्हाट, इंस्टॉलमेंट फॉर ईयर वन, इससे मैं 500 माइनस करूंगा, बिकॉज इंस्टॉलमेंट से सबसे पहले बैंक क्या माइनस करेगा, अपना ब्याज का। अरे भाई सबसे पहले तो लोग अपना ही करेंगे ना यार, उसके बाद ही ना तुम्हारा वो जाके उसमें एडजस्ट होगा प्रिंसिपल में। सबसे पहले बैंक अपना ब्याज का पैसा माइनस करेगा, फिर क्या करेगा वो चीज बोलो, जो इंस्टॉलमेंट है उससे सबसे पहले क्या माइनस होगा, ब्याज का। उसके बाद क्या होगा, जो बैलेंस बच गया वो फिर तुम्हारा लोन में जाके एडजस्ट होगा। तो कितना एडजस्ट होगा तुम्हारा लोन में, 818 क्या है, प्रिंसिपल रिपेड ईयर वन का। तो अब ये बताओ, ये जो प्रिंसिपल रिपेड है ये क्या होगा पता है क्या, ये 5,000 से माइनस हो जाएगा, क्योंकि तुमने जो 1318 का पेमेंट किया है उसमें 500 रुपया क्या चीज का है, ब्याज का है, और बैलेंस जो है वो तुम्हारा लोन से जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, 5,000 से 818 अगर हम लोग करेंगे माइनस तो क्या होगा बताओ, 4,18,182 जो भी है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लोन आउटस्टैंडिंग टाइम वन का, ठीक है। फिर दोबारा से इस पे क्या लगेगा, 10% का ब्याज, तो 418 मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा ईयर टू का। इंस्टॉलमेंट कितने का है, 1318 का,
उससे 418 क्या है, इंटरेस्ट फॉर ईयर टू ये माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ, 900 आ रहा है। 900 क्या है बताओ, प्रिंसिपल मुंह से बोलेगा सब लोग, प्रिंसिपल रिपेड फॉर ईयर टू, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्या करेंगे, जो लोन आउटस्टैंडिंग था टाइम वन का उससे प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, कितना आएगा बताओ, 41 कितना था, 81 से माइनस हो जाएगा 900, तो कितना आ रहा है, 3281 आ रहा है। 3281 क्या है बताओ मेरे को, लोन आउटस्टैंडिंग है कब का, टाइम टू का, लोन आउटस्टैंडिंग टाइम टू के एंड का हुआ ना। फिर इस पे क्या करेंगे, 10% का ब्याज लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 328 इज व्हाट, इंटरेस्ट फॉर ईयर थ्री। इंस्टॉलमेंट कितना है, मुंह से बोलेगा सब लोग, सब लोग बोलेगा 1318। 328 का ब्याज माइनस होगा किससे, इंस्टॉलमेंट से, कितना आ रहा है, 990 इज व्हाट, प्रिंसिपल रिपेड ईयर थ्री का। फिर मेरे को बताओ प्रिंसिपल रिपेड जो है ईयर थ्री का वो किससे माइनस हो जाएगा, लोन आउटस्टैंडिंग से, तो लोन आउटस्टैंडिंग कितना था, 3 2, सो 3281 से 990 को करो माइनस, कितना आ जाएगा, 2 2 9 1 इज व्हाट, लोन आउटस्टैंडिंग कब का, टाइम थ्री के एंड का। इसके बाद में इसको करेंगे इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 229, इंस्टॉलमेंट है 1318 का, उससे 229 करेंगे माइनस, तो क्या आएगा जल्दी बोलो, प्रिंसिपल रिपेड कौन से ईयर का आएगा, ईयर बोलो 4 का, और ये 229 क्या है, इंटरेस्ट फॉर ईयर 4, कितना आ रहा है बताओ, प्रिंसिपल रिपेड फॉर ईयर 4, 1089। अब ये 1089 जो है इसको हम लोग किससे माइनस करेंगे, लोन आउटस्टैंडिंग से, तो लोन आउटस्टैंडिंग कितना था, 22, सो 2291 माइनस 1089 कितना आ रहा है बताओ, 1202, ठीक है। अब इसको 10% का इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120 है ना, और मैं इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहा हूं, 1318 से 120 को करो माइनस, तो कितना आ रहा है, आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1200, राउंडिंग एरर है बाकी। तो बोलो हाँ कि ना, सिर्फ एक बार बोलेगा हाँ कि ना, ठीक है बोलो। अब इसी का हम लोग को एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम लोग का एक वो रेडी हो जाएगा, बेसिकली स्केड्यूल रेडी हो जाएगा देखो, और फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद ही छुट्टी होगा। तो यहां पर आएगा इयर्स, यहां पर आ जाएगा लोन आउटस्टैंडिंग एट स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद में यहां पर तुम्हारा आएगा इंस्टॉलमेंट, फिर आएगा तुम्हारा इंटरेस्ट, फिर आएगा तुम्हारा प्रिंसिपल रिपेड, फिर आएगा तुम्हारा लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड, ठीक है। इयर्स में आ जाएगा 1 2 3 4 5, लोन आउटस्टैंडिंग एट स्टार्ट में था 5000, इंस्टॉलमेंट 1318, सब में सेम रहेगा, यस और नो। इंटरेस्ट पहला साल का कितना था, 500, प्रिंसिपल रिपेड पहला साल का कितना था, 818 था। अब ये 818 किससे माइनस हो रहा है, 500 से माइनस हो रहा है, तो आ रहा है मेरा लोन आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड कितना आ रहा है बताओ, 4182। यही जो लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर वन है, यही क्या होगा, लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ 4181 हो गया। अब सुनो, इंटरेस्ट कितना आया ईयर टू का, 418। इंस्टॉलमेंट से करेंगे सबसे पहले किसको माइनस, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा,
प्रिंसिपल रिपीट सेकेंड ईयर का कितना था बताओ? फिर 4181 से 900 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3281. लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर टू एंड लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ ईयर थ्री दोनों सेम होगा, 3281. तो थर्ड ईयर पे मेरा इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 328. इंस्टॉलमेंट से करेंगे इंटरेस्ट को माइनस तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल रिपेड कितना आ रहा है? 990. लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट से करेंगे 990 को माइनस तो कितना आएगा बताओ? हाँ, 2291. फिर यहां पर भी आ जाएगा 2291. तो 1318 से करेंगे 229 को माइनस तो कितना आएगा? प्रिंसिपल रिपेट फॉर ईयर फोर कितना आ रहा है बताओ? हाँ, 1089. तो 2291 से करो 1089 को माइनस तो कितना आएगा बताओ? हाँ, 1202 हो गया. कैरी फॉरवर्ड इंटरेस्ट आएगा 120. तो यहां पर मैं पेमेंट करूंगा प्रिंसिपल रिपीट वही 1202 एंड यहां पर मेरा नील आएगा. अरे मतलब वही राउंडिंग एरर एक तरीके से. एग्जैक्ट करेंगे तो पूरा सही आएगा. ये मैंने आपको एक दिखाया है, जब लोन स्केड्यूल करूंगा तो और अच्छे से दिखा दूंगा. हाँ ये नहीं आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं दिखा रहा हूँ. समझा? किसका किसका फर्स्ट एग्जाम है? हाँ हैंड रेस करो. चलो और कितना सेकेंड एग्जाम है? मैंने पहले सीएस में क्लियर हो गया, अभी दिया है. ठीक है, अभी दिया, अभी इसी टर्म में दिया. ये वाला समझ में आया? ठीक है, कल का क्लास का टाइम क्या है? 6 बजे. ठीक है, जिसका कॉलेज, जिसका घर बहुत दूर है, जो कॉलेज के लिए इधर ही आता है, पढ़ लेना यहाँ पर बैठ के, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच. कोई भी फिजिकल क्लास मिस नहीं करेगा. ठीक है, अभी आने वाला 10 डेज कोई भी फिजिकल क्लास मिस नहीं करेगा. ठीक है.